ऐसी प्रतीत देशना करने यादा वाले सम्यक समुझ उपदेख कर्ताओं में श्रेष्ठ हैं, श्रीदे उनकी वंदना करता हूँ। ऐंदा मेरे खमजा फैंजे लिखे देंगी तो आज जो मेरे यहाँ दादा नंगेल राजा नंगेल श्री मोनेस्ट्री और उसके एक स्कूल जैसे कि यहाँ पर थम दोरेन बोचे ने अपनी जिम्मेदारी को निभा करके उस स्कूल की स्थापना की है और कल उसका उद्घाटन समारोह था। और इसमें बहुत जगह से इटली इत्यादि देशों से काफ़ी लोग आए हैं, वियतनाम से भी काफ़ी संख्या में लोग पधारे हैं और ख़ास करके स्पॉन्सर्स लोग हैं वो आए हुए हैं। और मैं सोचा कि इनके लिए थोड़ा धर्म प्रवचन दूँ और इनका इस धर्म उपदेश देने का जो विषय है वो मार्ग के तीन पक्ष प्रमुख पक्ष उसका विषय है। उसके साथ साथ और उसके जो बिहार या स्कूल और बहुत सारे उनके माँ बाप जो बच्चे उनके माँ बाप भी आए हुए हैं, उनके माँ बाप रिश्तेदार बच्चे भी आए हैं जो बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं उनके। तो उनको हिंदी के सुनने के लिए व्यवस्था दूसरे हाल में की गई है और प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो आप सभी लोग इस प्रवचन के प्रमुख एक प्रकार से शिष्य हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो तिब्बत से पहली बार भारत आए हुए हैं, तो पीछे बैठे हुए तिब्बत से आए हुए लोग जो पहली बार भारत पधारे हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में आए हैं। और हमेशा मैं जब भी धर्म उपदेश करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जो धर्म है उसकी आवश्यकता है कि नहीं, किस उसकी ज़रूरत है कि नहीं, और भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किस प्रकार से है उसका एक मैं परिचय देता हूँ। तो ये बौद्ध धर्म जो है 21वीं शताब्दी में का एक एक संबंध इसका है और वास्तव में जो बौद्ध धर्म है वो किस प्रकार से है इसका परिचय देना और इसको भी और ख़ास करके जो जो हम लोगों को जानना चाहिए कि जो भगवान बुद्ध का दर्शन है और जैसा कि इस 21वीं शताब्दी में बहुत सारे विकास तो हो रहे हैं, चाहे 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 आर्थिक रूप से देखो या बाहरी तौर पर देखें या एक दूसरे से संपर्क बनाने के रूप में हो, तो इस तरह से अच्छी तरह जो काफ़ी विकास हुआ है, भौतिक विकास तो काफ़ी अधिक संख्या में हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि हमारा जो जीवन इतना आसान बना है, दूसरे संपर्क करना हो चाहे इधर उधर जाना हो काफ़ी आसान हो गया है। तो और ख़ास करके लोग जो जो भौतिक विकास या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है उसके पीछे लोग पड़े हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर हम देखें कि अपने इससे पूर्व की अपनी पीढ़ी को देखें तो निश्चित रूप से अगर भौतिक विकास से विकास होने से अगर शांति आती तो पहले से ही स्थापित हो सकती थी, लेकिन अभी तक इस दुनिया में सुख शांति प्राप्त नहीं है। हालांकि बहुत ज़्यादा भौतिक विकास हुआ है फिर भी, और उसके जो कहाँ जहाँ तक कहा जाए कि उसके व्यवस्थाएं या फिर जो
तो जितने भी चीज़ें बाहरी चीज़ों का काफ़ी विकास हुआ है, तो उससे बहुत सारे लोगों को लोग लाभ नहीं हुआ है। उससे देखा जाए तो बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाना, हत्या पहुंचाना, इस प्रकार के चीज़ें हुई हैं। तो पिछले 20 वर्षों के दौरान भी देखें, काफ़ी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, और इस दुनिया में भी। और जहाँ तक अगर हिंसा की भी बातें कहा जाए, तो केवल शारीरिक रूप से ही हिंसा की ऐसी बात नहीं है, हमारे मन के द्वारा भी बुरा लोगों के बारे में सोचना या अपना जो मन है वो कलुषित होना, इसके द्वारा भी हम अक्सर कर्म करते हैं। दूसरों को गाली देना, नीचा दिखाना, तो समाज में भी अगर आप देखें कि गरीब और अमीर का काफ़ी बहुत बड़ा जो अंतर है, तो ये अंतर भी इसी वजह से आया कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो भौतिक विकास के बारे में सोचते रहे हैं, और जो आपने जो मानसिक विकास उसको करने के लिए जो हमको किस प्रकार से एक अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए उसके बारे में विचार नहीं किए हैं। एक दूसरे की हत्या करना और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार से घटनाएं होते आई हैं। और एक प्रकार से ऐसा भी हुआ है कि लोग मेरा धर्म और उसका धर्म, ऐसी भी बातें होती हैं, और जो धर्म को नहीं मानते हैं उनकी कुछ लोग हत्या भी कर देते हैं, एक प्रकार के दबाव उन पर देते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी घटित हुई हैं। और वास्तव में अगर धर्म है तो उसकी आवश्यकता प्रेम और करुणा के बारे में व्याख्या की जाती है। हमें किस प्रकार से अच्छा व्यक्ति बने उसके बारे में व्याख्या की जाती है, या उसका एक प्रकार के संदेश देते हैं। तो आजकल के बर्मा में भी देखें कि सभी लोग जो हैं वो बौद्ध लोग हैं, और वहाँ पर एक प्रकार से बहुत ज़्यादा एक प्रकार के कट्टर बौद्ध धर्म अनुयायी होने के वजह से मुस्लिम लोगों के वहाँ हत्या करना, और उसके साथ हत्या मुस्लिमों को भी देखें तो वो शिया और सुन्नी एक जो संप्रदाय है वो आपस में झगड़े करके एक दूसरे को हत्या करना, तो ये चीज़ें जो है काफ़ी दुखद हैं। तो ये हमें विकास यही विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से शांति की स्थापना हो सके, किस प्रकार से लोग अच्छी तरह से सुख समृद्धि में रह सकें। तो इसके लिए और सारे के सारे धर्म यही बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों में सद्भावना से रहना चाहिए। तो बहुत सारे इसी समय आप देखें कि बहुत सारे जब हम यहाँ बैठे हैं उसी समय कई एक जगह पर बच्चे भुखमरी से मर रहे हैं, इनके पास कपड़े भी नहीं हैं न तो रहने के लिए, भूख प्यास से मर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी हमें देख लें तो इनके बारे में विचार करना चाहिए। अगर इनके बारे में दूसरों के बारे में निश्चित रूप से चिंतन करेंगे तो ये भुखमरी इस तरह की चीज़ें शायद पैदा नहीं होंगे। तो शायद ये जो भुखमरियाँ हैं अगर हम विचार करें, दूसरे का सहयोग के लिए चिंतन करें, तो भुखमरी नहीं होगी। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हम दूसरे के बारे में कभी सोचते नहीं हैं, अपने आप में ही अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, इस वजह से समस्याएं हैं। और दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं हमारी स्वार्थी लालचपन की भावना की वजह से हैं। तो जैसे कि जन्म के साथ साथ ही दुख उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन फिर भी उन दुखों में भी काफ़ी जो दुख हैं जो हम देख सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं। और केवल अपने आप चिंतन करें और सोचें कि हम ठीक हैं, तो फिर सोचते हैं कि बस यही ठीक है। तो इस प्रकार केवल आप अपने बारे में ही सोचते रहेंगे, बाहर के लोगों के बारे में अगर विचार नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होता है। हमें लोगों को जो है थोड़ा सा विचार करना चाहिए। तो अभी जो चाय और रोटी दी जा रही है आप उसका सेवन करें।
तो इन बातों अगर ध्यान दें तो हम सभी लोग एक मनुष्य होने के नाते और बहुत सारे जो समस्याएं हैं वो मनुष्यों के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर देखा जाए कि केवल ये भौतिक विकास से ही इनको नष्ट किया जा सकता है तो संभव नहीं है। हमें इनके बारे में चिंतन करना चाहिए जितना हो उसके बारे में कि किस प्रकार से प्रेम करना और मैत्री लोगों में बांटें, किस प्रकार से प्रेम पूर्वक रहा जा सके, इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। क्योंकि सभी के सत्व जो है, या हम सभी कहते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि जो भी जो जीवधारी लोग हैं उनको सुख मिले, उनको दुख मिले न मिले। तो जब इस प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता होती है। और केवल जैसे कि जो भारी भौतिक विकास है उसके बारे में चिंतन करने करते रहें, और इन भौतिक विकास से अभी तक जो जो मुश्किलें हैं, समस्याएं हैं, वो सब नष्ट नहीं हुई हैं। तो इसके बारे में निश्चित चिंतन करना चाहिए कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसे प्रेम करना, मैत्री का विचार रखें, और परहित के बारे में चिंतन करना चाहिए कि दूसरों का दुखों जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनके बारे में भी हमें सोच विचार करना चाहिए। अगर इस प्रकार से चिंतन करेंगे, विचार करेंगे तो लाभ होगा। और ख़ास करके ये भी है कि हमें एक अपना अच्छा मन बनाना चाहिए, और इसको ये भी जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने मन को प्रशिक्षित करने से ही संभव हो सकती हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप दवा खा लें और आपका मन ठीक हो जाए, तो वो भी नहीं संभव नहीं है। उसके लिए आपको प्रयास करने की आवश्यकता है, मेहनत करने की ज़रूरत होती है। और जितने भी धर्म हैं तो अपने अपने उनके सिद्धांत होते हैं, अपने उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन उनके मूल संदेश के बारे में अगर देखें तो प्रेम, करुणा, शांति, संतोष, ये सारी की सारी सभी धर्मों में व्याप्त हैं। तो अभी 21वीं शताब्दी में रह करके हम लोगों को धर्मों में अंतर पैदा न करके सभी के साथ सद्भाव या फिर मित्रता बनाने की आवश्यकता होती है। तो जब हम धर्म की जब बात करते हैं तो उसके मार्ग क्रम इनको जो अच्छी तरह से जानेंगे तो बेहतर होता है। ज़्यादातर समस्याएं कि मेरा धर्म और उसका धर्म एक दूसरे प्रति हम बहुत बुरे विचार रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वास्तव में धर्म का अर्थ है कि एक प्रकार से परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है कि अपने मन को, अपने चित्त को, वो जिसमें भी आप श्रद्धा रख रहे हों, जिस भी धर्म को मानने वाले हों, तो उसके बारे में कि उसमें जो भी आपको प्रेम, करुणा, मैत्री के संदेश दिए गए हैं तो उनको कैसे आप अपने इस अभ्यास में लाएं। अगर इस प्रकार से अगर करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। जैसा कहा गया उसी तरह से करना कहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धर्म को नहीं मानते हैं। इस दुनिया में 7 अरब के आसपास लोग हैं, उनमें से कोई लगभग ऐसे 1 अरब के आसपास ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म परंपरा को नहीं मानते हैं। तो ऐसे भी देखते हैं कुछ जो धर्म को पालन करने वाले भी कुछ लोग गलत कामों में फंसे होते हैं, और कुछ ऐसे भी जो धर्म को मानते हैं लेकिन वो भी उसका ठीक से पालन नहीं करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा है, एक धार्मिक व्यक्ति होने के से भी आपको क्या लाभ हुआ। और फिर उसके बाद 6 अरब के आसपास लोग हैं जो किसी न किसी धर्म को मानते हैं। और जो धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें भी, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि आपस में विभिन्न धर्मों के लोग आपस में झगड़े करना, मेरा धर्म, उसका धर्म, इस प्रकार के विचार करना, तो इस प्रकार की घटनाएं भी बहुत सारी होती रहती हैं। मूल रूप से अगर धर्म की व्याख्या देखें या फिर धर्म का अर्थ देखें तो वो दूसरों का हित करना, दूसरों को लाभ देना, इस प्रकार के संदेश दिए जाते हैं। तो ये धर्म के मूल संदेश होते हैं। तो जैसे कि बर्मा में आप देख लीजिए कि वहाँ के बौद्ध लोग, तो वो कहेंगे कि मैं बौद्ध हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग भी हैं, अपने आप को सब धार्मिक कहते हैं, लेकिन वास्तव में जो उसका अर्थ है
तो ज़्यादातर हत्या करना, अपने धर्म के बहुत श्रेष्ठ दिखाना, इस प्रकार से जो कार्य करते हैं। तो अगर इस प्रकार की अगर व्याख्या या इस प्रकार से अगर पालन करें तो शायद धर्म आप अच्छे धार्मिक नहीं होंगे। तो धर्म में भी एक, जब आप धार्मिक हों तो मन से एक उत्साह पैदा होना चाहिए, एक श्रद्धा पूर्वक धर्म को मानना चाहिए। तो जो धर्म को नहीं मानते हैं और जो धर्म, तो उनको तो कुछ नहीं कह सकते हैं, और लेकिन जो धर्म को मानते हैं तो उन लोगों को विचार करना चाहिए कि धर्म का जो संदेश है प्रेम करना, उसको समाज के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है। तो उसमें अतिरिक्त हम इस समाज में पर्यावरण में रह रहे हैं तो उस समय भी देखें कि जानवर या इत्यादि भी, तो अगर आप प्रेम करना युक्त माहौल होगा तो वहाँ पर भी वो भी सुखपूर्वक रह सकते हैं, तो हम देख सकते हैं। तो जैसे कि जानवर भी देखें तो वो केवल किसी का नुकसान ज़्यादा नहीं करते हैं, और हम लोग भी अगर केवल और केवल चिंतन इसी जीवन के लिए या इसी समय के लिए करें तो ज़्यादा लाभ नहीं हो सकता है। हमें चिंतन करना चाहिए ये हमेशा कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले समय के लिए भी कुछ रख करके जाने की आवश्यकता है। अगर यही चिंतन करें कि मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो जी लिया, दूसरों से क्या लेना देना, तो इस प्रकार से आपको नहीं करना चाहिए। चाहे धर्म को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, तो अपने जीवन को हमें एक प्रकार के अच्छे जीवन के बनाने की आवश्यकता है। और हम सभी लोगों को अब चिंतन करना चाहिए कि किस प्रकार से एक अच्छे व्यक्ति बने, किस प्रकार से करुणा मैत्री लोगों में बांटें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब मनुष्य समाज में रह करके एक दूसरे साथ संबंध अच्छे रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम सभी लोगों को इस समाज में रहकर अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता होती है। जीवन जीते हैं और केवल हम दूसरे के बारे में चिंतन न करें, विचार न करें, अपने आप में ही सोचते रहें, तो ये संभव नहीं हो सकता है। कि हम लोग समाज में रह रहे हैं तो एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के ही इस समाज में हम रह सकते हैं। और ये विचार देखना, आपको खुद चिंतन करना चाहिए कि जिस पर हम निर्भर रह रहे हैं, जिस समाज पर हम निर्भर हैं, तो उसका अगर विकास नहीं होगा तो हमारा स्वयं का विकास होना संभव नहीं होता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं, जो धर्म को मानने वाला भी है तो मनुष्यों पर आधारित ना हो, समाज पर आधारित ना हो। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक अच्छे व्यक्ति बने। तो ये प्रश्न उठता है कि हम अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम बन सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव है वो प्रेम और करुणा से युक्त है। ये कोई धर्म की बात है ऐसी बात नहीं है, ये वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि मनुष्य का स्वभाव प्रेम और करुणा युक्त है। अगर बहुत सारे लोग जो अपने चिंतन को अच्छा कर रखते हैं, अपने मन को अच्छा रखते हैं, तो उनका शरीर ठीक रहता है, उनमें बीमारियां नहीं होती हैं, इसमें ये वैज्ञानिक तौर पर स्पष्ट है। और बहुत सारे लोग जो लोग क्रोध रखते हैं, घृणा रखते हैं, मन में हमेशा झगड़ा रूप विचार रखते हैं, तो उनका शरीर भी ठीक नहीं होता है। और अगर केवल और आप अपने बारे में चिंतन करोगे तो आपका एक भी कोई मित्र नहीं बनेगा, दोस्त भी नहीं बनेगा। तो इसलिए इस समाज में जो अगर आप विचार करें कि शांति की स्थापना करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके एक दूसरे संबंध बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। तो जो प्रेम करना की जो आवश्यकता है मानव समाज में, इसकी बहुत ही आवश्यकता है, और इसको जितना हो सके लोगों के में फैलाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, इतनी बातें कह सकें, तो इतना उचित नहीं होता है। और वास्तव में अगर आप अच्छे व्यक्ति बनोगे तो बहुत सारे आपके मित्र बनेंगे, बहुत सारे आपकी प्रशंसा और आपके नज़दीकी होंगे, तो ये वास्तव इसका अर्थ है, इसके लाभ होते हैं। ये केवल नहीं है कि धर्म का काम है वो लामा लोगों का, गुरु लोगों का है, वो तो प्रवचन दें बस वो उनका ही काम होता है, ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, जिस प्रकार से हमें अपने शरीर को चलाने के लिए स्वास्थ्य के अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार से अपने मन को ठीक करने के लिए भी मानसिक जो हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। और इस समाज में शांति स्थापित करने के लिए
प्रत्येक मनुष्य का एक हर व्यक्ति का जिम्मेदारी बनता है कि किस प्रकार से वो सहयोग दे सकें और भौतिक विकास के द्वारा ही ये इस दुनिया में सुख शांति संभव नहीं हो सकती है। जैसे कि अपने अच्छे शरीर को चलाने के लिए अच्छे भोजन करते हैं और अपने अपने अच्छी सुगंध पाने के लिए विभिन्न प्रकार के गंधों का उपयोग करते हैं और इसी प्रकार से अपने शरीर को ढकने के लिए अच्छे वस्त्र इत्यादि या फिर जो भी हमारी पांच इंद्रियां अलग अलग हैं तो इन पांच इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही हम ज़्यादातर कार्य करते हैं। और जो पांच इंद्रियों के सुख हैं वो क्षणिक होते हैं, तुरंत आते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को दृश्य को देखता है तो उस समय तो उसको काफ़ी अच्छा लगता है, खुशी महसूस होती है। और जैसे ही आप किसी पिक्चर को मूवी को देखते हो तो जैसे ही बंद कर दिया जाता है फिर आपको एक प्रकार से दुख महसूस होता है। तो ऐसा तो इससे देख सकते हैं कि जो हमारा चक्षु इंद्रिय है उससे क्षणिक लाभ हुआ। तो इन चीज़ें ये जो बहुत लंबा या फिर दीर्घ समय तक नहीं होती हैं तो इनके सबसे बेहतर है कि आप अपने मन को अपने चित्त को प्रशिक्षण करें कि किस प्रकार से अपने मन को संरक्षित कर सकते हो, वो ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो अगर आप मन को प्रशिक्षित करोगे तो हमें जो पांच इंद्रिय हैं उन पर केवल आधारित नहीं होना पड़ेगा, आप स्वयं से आपके मन की एक खुशी उत्पन्न होगी। और केवल हम लोग ज़्यादातर देखें कि जो भी भौतिक विकास है तो हमारी जो पांच इंद्रिय हैं उन्हीं के लिए ही हुए हैं। तो जैसे कि आप अगर मन के बारे में विचार करें तो मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट लोग हैं और जो खासकर है वो मानते हैं कि इस मन का तो केवल इंद्रियों के बारे में चिंतन न करके हम लोगों को मन के विचार उनके विचार करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करते नहीं हैं। सब हम इंद्रियों पर ही विचार करते रहते हैं। तो अब हमें चिंतन करना चाहिए कि अगर आपका मन तृप्त है तो आपके मन शरीर इसके आपकी सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होगी। तो खास करके कि जो प्रेम करना है कि शिक्षाओं को देना और उस समय प्रयोग देना चाहिए। और जब हमारे मन को जो विचलित करता है वो क्रोध होता है। तो अगर तो जैसे ही क्रोध क्यों उत्पन्न होता, क्रोध हमेशा आसक्ति की वजह से, हमारी लालसा की वजह से, किस चीज़ की चाहत की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसके लिए जब बहुत सारी आसक्ति या लालसा उत्पन्न हो तो हमें संतोष रखने की कोशिश करना चाहिए। और जैसे जैसे हम बहुत सारी आसक्तियाँ इच्छाएँ जैसे हमारी बढ़ती जाएँ उस समय हमें चिंतन करना चाहिए कि इससे सिर्फ और क्रोध उत्पन्न होंगे और इससे हमारा नुकसान ही होगा। जब फिर इसके बाद घृणा को देखें तो घृणा या ईर्ष्या के देखे जाए तो वो भी दूसरों की चीज़ों को दूसरों के पास क्या है उससे देख करके हमारे अंदर एक घृणा पैदा होती है, उसके प्रति बुरे विचार पैदा होते हैं। तो ये जो हेत और फल है उसको जानने के लिए जो मनोविज्ञान विधि है उसको जानना चाहिए। जैसे कि हम अपने शरीर को जो बीमारियां हैं उनको नष्ट करने के लिए चिकित्सा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे जो मन के जो दुख हैं समस्याएं हैं उनको भी नष्ट करने की आवश्यकता होती है। तो तुरंत आप चाहो कि जैसे ही आज ही क्रोध सब नष्ट हो जाए वो संभव नहीं होगा। और जो भी क्रोध है वो हमारे जो या फिर क्रोध या फिर हमारे गुस्सा है वो हमेशा दूसरे हेतुओं की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर प्रेम और करुणा युक्त मन होगा तो उस समय कभी क्रोध नहीं हो सकता, कभी गुस्सा नहीं आएगा। तो आपको ये चिंतन करना चाहिए कि ये जो क्रोध है हमारे मन को विचलित कर देता है, मन को भ्रमित कर देता है, इसकी वजह से क्रोध उत्पन्न होते हैं। तो इनको भी हम नष्ट कर सकते हैं, इनको भी हम प्रशिक्षित कर सकते हैं, चिंतन करना चाहिए। ये कोई धर्म की बात है ऐसी बात भी नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो
जो अगर इन बातों को मानता है, प्रेम करना इनको और अपने मन को अच्छे विचार रखता है, तो निश्चित रूप से लाभ होता है। चाहे अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो भी, चाहे धार्मिक हो न हो, वो डॉक्टर के पास जाता है। उसी प्रकार से हम मनुष्यों को, चाहे धार्मिक हो या न हो, उनको भी इस प्रकार की अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए। तो आजकल जैसे कहते हैं कि शरीर स्वास्थ्य कैसा बने, ये शरीर जो है वो कैसे स्वस्थ बने, उसी के साथ साथ जो हमारा मन है वो भी कैसे स्वस्थ हो। मैं कोई पूर्व जन्म की, नरक और स्वर्ग की बातें नहीं कर रहा हूँ। अभी के आप देखो, आप अपने जीवन को, दैनिक जीवन के लिए दिन प्रतिदिन के बारे में आप चिंतन करो, उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं जो धर्म को नहीं मानने वाले और मानने वाले सभी लोग, जो 7 अरब के आसपास लोग हैं, उन सभी के लिए क्या चीज़ें लाभदायक हो सकती हैं, इनके बारे में चिंतन करना चाहिए। और यही है प्रेम और करुणा का ये संदेश है कि जो सभी लोगों के लिए लागू हो सकता है, सबको लाभ हो सकता है। और बाहरी जो विकास है, भौतिक विकास से प्रेम करना का विकास हो, प्रेम करना बढ़ जाए, बहुत धनी हो जाने से बढ़ जाए, तो संभव नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इन चीज़ों से इस जीवन लाभ तो होगा ही, और जो भविष्य में, जो बीते हुए 3-4 हज़ार वर्ष हो गए, उस समय में इन धर्मों से लाभ हुआ है, अभी भी धर्मों से लाभ होता है। और जब आप इसके बारे में अच्छी तरह से परीक्षण करोगे, चिंतन करोगे, तो निश्चित रूप से आप पाओगे कि आप मन को प्रशिक्षित जब करें तो निश्चित रूप से लाभ होगा। चाहे आप धर्म करें कहें, या अंग्रेजी भाषा में रिलीजन कहें, जो भी आप कह सकें, तो जो रिलीजन शब्द, जो अंग्रेजी शब्द है, वो ज्यूइश, क्रिश्चियन, यहूदी, इन लोगों के द्वारा ये शब्द आया है, वहाँ से आया है। तो ज़्यादातर वो, जहाँ तक रिलीजन शब्द का अर्थ है, तो जो ईश्वर है उसमें श्रद्धा रखना। और हालांकि जो ये जो शब्द है भारतीय परंपरा में, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, ये जो रिलीजन शब्द है वो शायद पर्याप्त नहीं होता है, शायद उसका अर्थ सिद्ध नहीं करता है। इसको मुझे भी एक इस पर संदेह है। मेरे कुछ जान पहचान के लोग हैं, वो कहते हैं कि बौद्ध धर्म है वो कोई रिलीजन नहीं है, वो ये एक जो मन की विज्ञान है, मन की विज्ञान है, ये सब कहते हैं। तो जैसे कि जैन भी केवल वो श्रद्धा नहीं, केवल श्रद्धा मात्र है, ऐसा नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने मन को प्रशिक्षण करो। जो ज़्यादातर भारत के जो बौद्ध धर्म है, समता और विपस्सना की संदेश देते हैं कि अपने मन को एकाग्र कैसे कर सकें, और फिर दूसरा प्रकार का जो विपस्सना के किस प्रकार से विषय को परीक्षण किया जाए, उस परीक्षण करके उसको चिंतन करने की विधि बताई गई है। ये सारे के सारे जो भारतीय परंपरा के धर्म हैं उन सभी में हैं। और जो भी धर्म हैं उसमें जो कि समत और विपस्सना अगर कोई अभ्यास करता है, तो निश्चित रूप से ये मनोविज्ञान पर आधारित होते हैं। और बाकी के धर्म केवल, और जैसे क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम धर्म, तो वो केवल और कहते हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं या अल्लाह, उन्हीं में श्रद्धा रखें, तो उसमें चिंतन करने की ज़्यादा संभावना नहीं रहती है। और भारत के जो बहुत सारे धर्म, जो भी व्यवस्थाएं हैं प्रेम करुणा की, वो सारे के सारे धर्मों से पैदा होती हैं। लेकिन फिर भी हमें चिंतन करना चाहिए कि इस मनोविज्ञान या फिर जो हमारी आपसी जो सोच है, उसके द्वारा किस प्रकार से हम जो प्रेम करना, मैत्री के संदेश स्थापित कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। तो इसलिए आप लोग जो यहाँ पर आए हैं, तो खास जैसे कोई वियतनामी लोग, जो इतिहास के दौर पर देखा जाए तो एक बौद्ध राष्ट्र के लोग हो, और उसके साथ साथ और नालंदा परंपरा के मानने वाले परंपरा के लोग हैं, उस एक तरह के नालंदा परंपरा से संबंध है। और इटली के जो लोग पधारे हैं, तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो जुडोजम, यहूदी और क्रिश्चियन, ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो एक प्रकार के बौद्ध धर्म आपके देश में नए धर्म के रूप में है, लेकिन फिर भी लोगों के अपने सोच विचार, चिंतन, आवश्यकताएं हैं, अलग अलग होते हैं। और दूसरी के आज के समय में जो भौतिक विकास है वो काफ़ी बड़ा
और उसके बाद जो कि चिंतन, उसके बाद भी जो आप लोगों में इसमें चिंतन करने के भी एक प्रकार का उत्साह बढ़ा, उसके बाद जो बौद्ध धर्म के प्रति भी चिंतन करने की रुचि पैदा हुई है, तो केवल श्रद्धा से नहीं, वो भी एक प्रकार से अपने जान करके, उसको पहले पहचान करके कि किस प्रकार का धर्म है। तो इस प्रकार से जो पाश्चात्य देश हैं, अमेरिका, यूरोप, तो पहले क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले, यहूदी धर्म को मानने वाले थे, तो ज़्यादातर उस मानने वाले हैं। फिर उसमें बौद्ध धर्म में चिंतन करने के बाद कुछ बौद्ध धर्म को मानने वाले भी बने हैं। तो जो जहाँ तक तिब्बती धर्म की परंपरा की बात कहें, तो वो केवल कहा जाए कि तिब्बत से उत्पन्न हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो 8वीं शताब्दी में जो भारत के शांत रक्षित राजा ठिसोदेसेन ने उनको तिब्बत में बुलाया, उसके बाद वहाँ पर पठन पाठन का अध्ययन प्रारंभ किया, बौद्ध धर्म का परिचय दिया। तो इस प्रकार से देखें कि उस समय शांत रक्षित नालंदा के प्रकांड विद्वानों में से एक थे, और वो भी माध्यमिक दर्शन को मानने वाले या माध्यमिक दर्शन के प्रकांड विद्वान, प्रमाण ग्रंथों या प्रमाण ज्ञान के काफ़ी विद्वान, और वो इस प्रकार के उन्होंने इन चीज़ों को लेकर के व्याख्या की है। तो फिर इन सब बातों को देखें तो उनकी कृपा से हम सभी लोगों पर उन्होंने नालंदा परंपरा के परिचय दिया, और उसके साथ साथ और जैसे कि हमें श्रुतिमय, चिंतन और भावनामय, तो तीन प्रकार की जो प्रज्ञाएं हैं, तो आप चिंतन करो उसके बारे में, आप पहले सुनो, फिर चिंतन करो, फिर ध्यान करो, ये तीनों जो मार्ग उन्होंने दिए हैं वो आज तक हम लोग मानते आ रहे हैं। तो उसके बाद उनके शिष्य आचार्य कमलशील, वो भी तिब्बत में जा कर के, और वो भी एक प्रकार के देखा जाए तो विद्वानों में, प्रकांड विद्वान वो थे। तो उनके ग्रंथों को भी देखें, अभी जो उनके शास्त्र हैं उनका अध्ययन करते हैं, उन्होंने रचना की है, और नागार्जुन ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है, उनके ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है। हालांकि ये पुरुष तो महापुरुष लोग गुजर गए, लेकिन उनके द्वारा दिए गए ग्रंथों को हम पढ़ सकते हैं। केवल आप श्रद्धा करते रहें, ऐसी करने की आवश्यकता नहीं है, उनको जानना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ आप 17 नालंदा के जो विद्वान हैं उनके ग्रंथों को आप पढ़ें, शांति रक्षित किस प्रकार से थे, कमलशील किस प्रकार से थे, उन्होंने क्या रचना क्या लिखा है, इनको जानना चाहिए। तो इसके बाद आपको समझ में आ सकता है कि ये वाकई विद्वान थे, कि कोई कहानी कहने वाले, इतिहास को बताने वाले विद्वान न होकर के ये वास्तव में मन को कैसे प्रशिक्षित किया जा सके, अपने आप को अच्छा कैसे किया जा सके, इसके बारे में बताने वाले विद्वान थे। तो बौद्ध धर्म जो तिब्बत में है, वो भी श्री नालंदा से, नालंदा की परंपरा का एक विशुद्ध उदाहरण के रूप में है, और आजकल भी जैसे कि तिब्बती धर्म की जब व्याख्या करी जाते हैं तो लोग ऐसा मानते हैं कि मंत्र जाप करना, डमरू इत्यादि को चलाना, फिर टोपी इत्यादि विभिन्न कलरों की पहन लेना, तो ऐसा लोग के मन में एक विचार बना था। तो कुछ लोग जो विदेश से आते हैं, तो ऐसा जो विद्वान लोग उनके बारे में ज़्यादा तो ध्यान नहीं देते हैं, तो जो लामा लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ कर लेते हैं, आसन पे बैठते हैं, तो ऐसा मानते हैं कि यही बड़े गुरु हैं, बाकी के बड़े गुरु नहीं होते हैं। तो तिब्बती, तो ऐसा भी उन्होंने नाम भी दे दिया था कि जो तिब्बत का धर्म है एक लामावाद है। तो एक बार तो ऐसे कहने वाले मिले हैं कि तिब्बती धर्म जो लामाइज में है, लामावाद का धर्म है। तो फिर उसके बाद धीरे 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 व्यवस्थाएं बदली। अब कोई कहने वाला नहीं है कि तिब्बत का धर्म जो लामावाद है, ये इस प्रकार की मानसिकता को छोड़ करके वास्तविक जो वास्तविकता उसको पहचान पाए हैं। तो अभी इस दुनिया में जो धर्म में जितने भी धर्म हैं उसमें से बौद्ध धर्म जो वो भी सिद्धांत के तौर पर गंभीर दर्शन है, गंभीर धर्म है, काफ़ी बृहद धर्म है, और इसमें भी बौद्ध धर्म के, इस प्रकार के बौद्ध धर्म में 20 वर्ष तक
30 वर्ष तक अध्ययन करके और उसको जान करके कि किस प्रकार से है, और पहले उसको जान करके जो जो भी आगम दिए गए हैं, भगवान बुद्ध के वचन हैं और उनके, फिर उसके बाद सूत्र और शास्त्रों को जान करके हमें इस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। और वास्तव में तभी आपको पता लगेगा कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो किस प्रकार से है। तो इस प्रकार से आप लोग इटली के लोग, तो वास्तव में आपका जो देश है वो क्रिश्चियन धर्म को मानने वाला धर्म है, लेकिन आप बचपन से ही आप लोग गॉड गॉड कहते आ रहे, ईश्वर ईश्वर कहते हैं आए हुए हो, लेकिन फिर भी इस आप नालंदा परंपरा के, इस तिब्बती परंपरा को थोड़ा सा आप हट करके आपने देखा और आप लोग उसके प्रति रुचि रख रहे हैं, आप ध्यान दे रहे हैं, ये तो इसलिए आप सभी का स्वागत है। तो ये जो धर्म है वो व्यक्तिगत, आप व्यक्ति विशेष के हिसाब से होते हैं, अपने अपने के लिए होते हैं। तो आप जो भी धर्म को मानने वाले हैं वो आपका व्यक्तिगत कार्य है, चाहे आपकी परंपरा हो, संस्कृति जो भी हो, ये तो देश के लिए होते हैं। ले जैसे तिब्बती धर्म में देखें, तिब्बती लोगों में भी देखें, तो ज़्यादातर तिब्बती समाज जो है वो बौद्ध समाज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी, कुछ लोग जो क्रिश्चियन को मानने वाले हैं, कुछ मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले हैं, वो अच्छी बात है, मानना चाहिए। तो इसी प्रकार से इटली में भी सामान्य तौर पर क्रिश्चियन को मानने वाले हैं, यहूदी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपका कल्चर भी उसी प्रकार से है, लेकिन फिर भी कुछ लोग बौद्ध धर्म को मान रहे हैं। तो ये आपके अपनी व्यक्तिगत एक प्रकार का चुनाव है, आप कर सकते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि बौद्ध, जो बौद्ध धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा है, मैं कभी नहीं कहता हूँ। और जो भी आपका जो जो आप मानना चाहते हैं उसे आप मान सकते हैं, ये आपके अपने आपका अपना चुनाव है कि किस प्रकार से आपको, किस कौन सा धर्म आपको लाभ दे रहा है, किससे आपको ज़्यादा हित होता है, इस प्रकार से आपको चिंतन करना चाहिए। तो ये सामान्य तौर पर ये बौद्ध धर्म के बारे में व्याख्या मैंने की है। तो बौद्ध, जहाँ तक परिचय की अगर बात करें कि बौद्ध धर्म इस दुनिया में, इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, तो वो ये भी मानते हैं कि जो भी अपने ईश्वर में श्रद्धा रखते हैं, भगवान में ईश्वर श्रद्धा रखते हैं, तो वो इसलिए क्यों श्रद्धा रखते हैं, वो कहते हैं कि भगवान ने इस हम सभी को बनाया है, ऐसे लोगों की मान्यता है। तो जो भी जो दुनिया हो या दुनिया में रहने वाले लोग हैं, उन हम सभी को ईश्वर ने बनाया है, इस वजह से लोग श्रद्धा रखते हैं। अच्छी बात है, आप लोग अगर इस प्रकार से अपने ईश्वर में या जो भी जिसको भी मानते हो श्रद्धा रखते हो, तो अच्छी बात है, आप मान सकते हो। तो मैं अपने मुस्लिम धर्मों से भी कहता हूँ कि जो आपके जो अल्लाह, जो जिस आप जिनको ईश्वर मानते हो, जिन्होंने इस कहते हो कि सभी हम सभी को बनाया है, तो अगर अल्लाह ने इस दुनिया को हम सभी को बनाया, तो उसमें भी वे यही कहते हैं कि आपको अच्छा व्यक्ति बनना चाहिए। अगर आप अच्छा व्यक्ति बनते हैं तो सबसे अच्छी बात होती है, और सभी लोग यही कहेंगे कि हमारे ईश्वर है वो भी करुणा मैत्री प्रेम से युक्त है। ऐसा नहीं है कि हमारे ईश्वर क्रोध युक्त है, घृणा उसके अंदर, ऐसा कोई नहीं कह सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है। तो इनके बारे में अगर हम आप अच्छी तरह से चिंतन करोगे, इनके बारे में आप सोचोगे, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के हम लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते हैं, अगर विद्वानों के ग्रंथों को देखें तो उस समय जो जो ईश्वर है उसका बहुत सारा निषेध किया गया है, विद्वानों ने उसका निषेध किया, उसका उसको रोका है, नकारा है। कि भगवान बुद्ध ने जब पहले धर्म को उपदेश दिया, तो दुख सत्य उसका विजय और निरोध सत्य मार्ग सत्य, तीन जो धर्म, चार धर्म उपदेश दिए हैं, तो वो भी हेतुओं के बारे में कहा, इसमें सीधा सीधा कर्ता के बारे में कोई व्याख्या नहीं की गई है, उन्होंने हेतु और फलों की व्याख्या दी है। तो जहाँ तक ईश्वर की बात करें, तो अगर वो, तो वो भी प्रेम और करुणा से युक्त है। अगर आप जो भी व्यक्ति उसको मानने वाले लोग हैं, तो उनको भी, आप लोगों को भी उसी तरह से प्रेम और करुणा युक्त है, आप खुद को बनाने की कोशिश करना चाहिए। और इसके जो उद्देश्य हैं कि ईश्वर ने अगर हमको बनाए हैं, अगर जो भी मानता है कि ईश्वर ने सृष्टि की इसको किया है, तो सभी को वो
प्रेम और करुणा से युक्त हैं, तो सभी में प्रेम और करुणा ही देते हैं। तो इसीलिए प्रकार से तो धर्मों में देखें, एक प्रकार से ईश्वर को मानने वाले तो ईश्वर को न मानने वाले दो प्रकार से हैं। तो ईश्वर को मानने वाले धर्म और इस दुनिया में देखें, उसके अतिरिक्त भारत में भी देखें तो भारत के जो जो सांख्यवादी जो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो काफ़ी दो तीन हज़ार वर्ष पुराने हैं। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये ईश्वर को नहीं मानते हैं, किसी प्रकार के कर्ता की व्याख्या को नहीं मानते हैं। और बाकी के जितने भी धर्म हैं वो ईश्वर को मानते हैं। चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे मुस्लिम हो, या जो भी हो, या फिर यहूदी धर्म, वो सभी लोग ईश्वर को मानते हैं कि हम कि कोई निर्माता है। और उसके उसमें भगवान बुद्ध का जो दर्शन, या बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो वो जैसे अनात्म और इसको इस दो इस जो आत्मा है हमारे स्कंदों से हट करके एक प्रकार के एकांगी कोई आत्मा नहीं होती है, इस प्रकार की मान्यता होती है। जो जहाँ तक जैन धर्म है वो भी आत्मा को मानते हैं। और जो से जो इस कार्य कराने के लिए आत्मा या आत्मा रूपी कोई चीज उसको कार्य कराने वाले हट करके एक प्रकार की आत्मा होती है, वो इस और भगवान बुद्ध के या बौद्ध धर्म के अनुसार कहते हैं कि कोई आत्मा या फिर पांच स्कंदों से हटकर कोई भी आत्मा नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म में जैसा कहा जाता है अनात्मा का सिद्धांत ही दिया जाता है। तो जब भी आप उनको देखोगे, जब उसकी व्याख्या को अगर देखें, तो भगवान बुद्ध ने प्रथम धम्म चक्र उपदेश के दौरान कि अनात्म के सिद्धांत कहा है, तो उस समय जो पुद्गल अनात्मा उसकी व्याख्या की है। और उसमें और जो भी बारह प्रतिसमुद्पाद के निदान हैं या कड़ियां हैं उसमें भी कहा है कि किसी प्रकार का भी कोई आत्मा कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसमें पहले धर्म उपदेश देखें कि अनित्यता और फिर अनात्म, तो अनात्म के बारे में अगर देखें तो वो पुद्गल जो अनात्म है उसकी व्याख्या करते हैं। उस समय वो धर्म निरात्म की भगवान बुद्ध ने व्याख्या नहीं की थी। तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश के दौरान जैसे हम लोग हमेशा प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का पाठ करते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि जो हमारे स्कंद भी स्वभाव से शून्य हैं, उनका कोई स्वभाव से अस्तित्व नहीं होते हैं, ये सारे के सारे एक दूसरे जो आत्मा है या फिर आत्मा कहते हैं वो एक पांच स्कंदों पर ही निर्भर होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं होते हैं। तो जैसा प्रथम धम्मचक्र उपदेश में अनात्म शब्द जो आया है, तो द्वितीय धम्मचक्र उपदेश में कि जो कि इसको एक प्रकार का उसका उपयोग करने वाले अनात्म आत्मा के बारे में व्याख्या उसको नकारा गया है। तो जिस वो भी अनात्म आत्मा या अनात्मा की बातें करें तो किस व्यक्ति विशेष के आधार पर उस व्यक्ति के निरात्म उस पुद्गल की निरात्म तो वहाँ कहा जाता है कि जो हमारे पांच स्कंद हैं उससे तो जब सबसे पहले भगवान बुद्ध ने पुद्गल निरात्म के सिद्धांत दिया, फिर उसके जो प्रमुख रूप से व्यावसायिक लोग और द्वितीय धम्म चक्र उपदेश के दौरान धर्म निरात्म उसकी व्याख्या की। और उसके बाद से जो विज्ञानवादी धर्म जो सिद्धांत हैं या फिर जो चित्र मात्र कहें या माध्यमिक दर्शन द्वितीय धम्म चक्र को मानने वाले हैं वहाँ से प्रारंभ होते हैं, और वो भी बाहरी और आंतरिक जो या फिर बौद्ध धर्म या फिर अबौद्ध में भी देखें कि उसमें या उसमें भी बौद्ध धर्म के अंदर में देखें कि उसमें भी बहुत सारे विभेद हैं। सिद्धांतवादी चार सिद्धांतवादी हैं, तो धर्म जो उसमें धर्म जो धर्म निरात उसको न मानने वाले भी, और उसके साथ साथ जो हमारे स्वतांत्रिक और व्यवस्थिक लोग वो पुद्गल निरात्म को मानने वाले हैं, और चित्रमात्र और माध्यमिक दर्शन के वो जो धर्म निरात्म उसको मानते हैं। तो इसके लिए तो भाव विवेक के तो जो कि जो तर्क ज्वाला में
एक प्रकार से व्याख्या की जाती है कि किस प्रकार से जो जो चार प्रकार के सिद्धांत बने हैं उनकी व्याख्या कैसे की गई है। उनमें तर्क ज्वाला में जो बाहरी सिद्धांत और बौद्ध धर्म और अबौद्धों के जो सिद्धांत हैं तर्क ज्वाला नामक ग्रंथ में देखा जा सकता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो निश्चित लाभ मिलेगा कि किस प्रकार से अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग सिद्धांतों को कैसे व्याख्या की गई है। तो जैसे कि मैं तो इसको जैसे कि मैंने पूर्व में कहा था कि जो भी बातें कह रहे हैं कि उनको जब आप अपने मन के द्वारा अपने चित्त के या फिर अपनी बुद्धि के द्वारा इसका परीक्षण करो और जब आप परीक्षण करो तो बहुत सारे ग्रंथों को करना चाहिए कि इस ग्रंथ में ये कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा तो क्यों कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है, तो इसके बारे में परीक्षण करें, चिंतन करें, तो निश्चित रूप से आपके मन में जो भी विचार हैं या फिर जो स्पष्ट नहीं हुए वो स्पष्ट हो जाते हैं। तो तिब्बती परम्परा के अनुसार भी देखें या तिब्बत में भी देखें तो पूर्व में निंगमा परम्परा, फिर उसके बाद तो ये समय के अनुसार बना, तो सबसे पहले निंगमा परंपरा काग्यू। तो हालांकि ये इन परंपरा से पहले ये ग्रंथ सूत्र शास्त्र होते थे और फिर बाद में के काफ़ी वहाँ पर एक प्रकार के बौद्ध धर्म का नाश भी हुआ तो फिर इस प्रकार नए युग की शुरुआत हुई। तो उस नए युग में भी काग्यू परंपरा और काग्यू परंपरा में कई एक विभेद और फिर निंगमा परंपरा में भी अगर देखें कदम धानांगवा इस प्रकार के तिरमा में भी तो इसके प्रकार तेजन ग्यासेन तो ये जो ग्रंथ हैं या और फिर जो परंपराएं रही हैं फिर उसके बाद शाक्य परंपरा तो उसमें भी तीन प्रकार के विभेद फिर काग्यू परंपरा में भी कई एक विभेद फिर उसके बाद जो जोवोजे के बाद से जो कादम्बा परंपरा तो हालांकि उनके भी एक ही धर्म को मानने वाले थे फिर भी कदम्बा लमरीमा मेंगापा इस प्रकार से जो विभेद वहाँ पर हुए हैं तो वो ग्रंथों के आधार पर किसने किस प्रकार को किस ग्रंथों को मानने वाले थे उस हिसाब से नाम दिए गए और उनके इन ग्रंथों से भी जो अर्थों को जान करके कि किस प्रकार के जो अर्थ हैं क्या कहा जा रहा है तो उसको लमरिम जो ग्रंथ है उसके कम जो कदम्बा लमरिम्बा और फिर इनको जान करके धीरे धीरे अभ्यास करना शुरू हुए उसके बाद मेंगावा तो ये जो परंपरा दो प्रकार के उत्पन्न हुई उसके बाद चुंगावा चुंबा के बाद से जो कदम्बा एक प्रकार नए युग की शुरुआत हुई तो जैसे तिब्बत में भी देखें कि अंतर न पैदा करके तो जितने भी ग्रंथ हैं चाहे 13 ग्रंथों का बात करें या तो ये सारे 13 ग्रंथ हैं उनको पढ़ा जाता है और ये सभी लोगों को या जो भी हमारे जितने सेक्ट हैं उनको अंतर न करके सभी लोगों को अध्ययन करना चाहिए और फिर उसके बाद मेंगा या तंत्र के व्याख्या देखें तो उसमें छोटे छोटे विभेद या बहुत सारे अंतर होते हैं और इसके बाद हैं कि तंत्र में के व्याख्या देखें कि अलग अलग तरीके से व्याख्या की करते हैं अलग अलग उनके सिद्धांत हैं और उनमें भी तीन प्रकार की व्याख्या की है तो ये जो अलग अलग चीज़ें आती हैं लेकिन प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये सूत्र और शास्त्र सबका एक आधार के रूप में है चाहे शाक्य परंपरा हो काग्यू निंगमा कोई भी परंपरा हो सूत्र शास्त्र पर हैं। तो जैसे तिब्बत में कहा गया है कि लोग जो है व्यक्ति विशेष और सामान्य तौर पर दो प्रकार से व्याख्या की गई है तो
तो लोग जो है कुछ लोग करने लगे कि व्यक्ति विशेष को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगे, को कहने लगे मैं गैलू परंपरा हूँ, मैं गैलू साक्य परंपरा का हूँ, मैं काग्यु परंपरा का हूँ, जनंग या इत्यादि कर्मा पर इत्यादि, तो अपने अपने अंतर पैदा करने लगे। तो इस तरह के जो तो बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं, ऐसे इतिहास है कि ऐसे धर्मों को लेकर झगड़े हुए हैं। ये शर्म की बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज की दुनिया में बहुत सारे धर्मों में आपस में झगड़ा करते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। तो आप तो दो दूसरों को देखते हैं तो हम लोग कहते हैं अरे वो लोग ख़राब है, लेकिन आप खुद अपने इतिहास को देखो। आप तिब्बती हम तिब्बतियों को देखना चाहिए कि हम आपस में हम लोग भी एक दूसरे से झगड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। तो मूल रूप से छोटी छोटी चीज़ों तो हो सकती हैं, लेकिन समान रूप से जो सामान्य तौर पर देखें वो एक ही होते हैं, और ये एक परिवार की तरह रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर बहुत सारे नए तिब्बती लोग आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप लोग तो जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि जो कि बुद्ध युग का जो शासन है बहुत लंबे समय तक रह सके, तो वो तभी होगा। हमें सभी को चिंतन करना चाहिए कि हम सभी भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं, और हम एक रूपता में हैं, एक हैं, इस प्रकार का विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, आप हम तिब्बती लोगों को विचार करना चाहिए कि हमारी जो जाति है, जो हमारी परम्परा है, वो एक साथ या एक ही है। हमारी जो प्रजाति है, जाति है, वो एक है। इस बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। तो मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन फिर भी आज दोबारा से आप लोगों को एक प्रकार से याद दिलाने चाहता था कि आपको ये सोचना चाहिए। तो आज यहाँ पर इटली के जो मित्र लोग और ठमदन रिम्बोछे जिनके सहयोगी उनके मित्र भाषो लोग आए हैं, और ज़्यादातर गैलू परम्परा मानने वाले हों, और अनुरोध किया कि जरिम्पोछे का जो ग्रंथ है उसका उपदेश दें। तो अब जो लमचो नमचो मार्ग के तीन मूल्य पथ तो इटली भाषा में है कि नहीं पूछ रहे हैं, तो वो उपलब्ध है, तो वेतना में भी है। जो ग्रंथ है यहाँ जो जे रिम्पोछे का कि मार्ग के प्रमुख तीन पक्ष, तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था निग्मा और फिर शर्मा या फिर नया युग या पूर्व का या गैलू परंपरा, और ये सारी के सारी के जो धर्म है उन सभी को पढ़ा। तो मैं जो अपना उदाहरण दूँ तो निगमा का भी मैंने पढ़ा है, सारे धर्मों को मैंने पढ़ा है। तो जेरिम्पोछे के जो ग्रंथ है तो उसमें कहा जाए तो उसमें जोक्षेन के बारे में, महासंपन्न के बारे में जो कि व्याख्या की जाती है वो मैंने सीखा है। तो निगमे परंपरा को भी मैंने पढ़ा, फिर उसके बाद काग्यु परंपरा के जो ग्रंथ हैं तो वो भी जेरिम्पोछे ने पढ़े थे, साक्या तो देखा, जो ग्रंथ देखे जाएं तो वो भी साक्य परंपरा के काफ़ी हैं। फिर कदम, तो उस समय जेरिम्पोछे तो जितने भी धर्म परंपरा थे वो सारे के सारे उन्होंने उसको पढ़ा, उनको सबको ध्यान दिया। तो उससे पूर्व भारतीय विद्वानों के जो ग्रंथ हैं उनको उन्होंने पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि इनको अच्छी तरह से, उन्होंने खुद कहा कि जो भारतीय दर्शन के या भारतीय परंपरा के ग्रंथ थे उनको सभी को बेहतर तरीके से पढ़ा है। उन जो भी परंपराओं के धर्म में उनको अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा, उसके बाद शास्त्र को, सूत्रों को,
और शास्त्रों में भी विभिन्न प्रकार के जो भी उसमें थे उनको अच्छी तरह से पढ़ा। तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि अगर तक ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि केवल अपने धर्म को अपने ही जो ग्रंथ उनको पढ़ें ऐसा ना करके, तो ऐसा करेंगे तो एक प्रकार के आप पक्षपात जैसा हो जाता है। पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो इन सभी जो भगवान बुद्ध के दर्शन हैं इन सभी को पढ़ने की आवश्यकता होती है, इनको पढ़ना चाहिए। और पक्षपाती तौर पर पढ़ेंगे तो केवल एक उसके उसको केवल थोड़ा सा नोट कर लेंगे और उसको पढ़ते हैं, ऐसा न करके ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो एक थोड़ी सी बातें हैं, सूक्ष्म बातें हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ नहीं होगा। अगर वास्तव में जेरिम्बोजे के शिष्य हो तो आपको पक्षपाती नौकर के जो भी परंपराएं हैं उनको गंभीरता से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस जितना हो सके वो सबसे ज़्यादा पढ़ें, सबसे ज़्यादा सुने, और इन ग्रंथों को एक साथ साथ रख करके पहले पढ़ें, फिर बहुत इन सब को साथ साथ जोड़ करके देखें कि इसमें क्या कहा जा रहा है, और इस प्रकार से जानना चाहिए। तो ये तो जेरिम्बोजे खुद ने जो उन्होंने एक प्रकार की स्तुति की है संक्षेप के रूप में भी कहा है कि किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। तो ये जो ग्रंथ है जो कि मार्ग के प्रमुख तीन अंग है इनको अगर और या फिर जेरिम्बोजे के मानने वाले हो तो पक्षपाती नहीं होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से पढ़ना, जैसा उन्होंने कहा कि पहले आपको ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करें, ज़्यादा से ज़्यादा सुने, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, उसके बाद थोड़ा विचार करें, फिर ध्यान भावना करनी चाहिए। तो उस समय देखा जाए तो उस समय जेरिम्बोजे तिब्बत में एक प्रकार के प्रगाढ़ विद्वानों में गिने जाते थे। तो एक जो स्तुति की गई है वो किसने की है, तो परम पावन जी पूछ रहे हैं किसी को पता है ये जो श्लोक है किसने लिखा है, तो किस शायद जो बैठे हुए उन किसी को तो पता नहीं। तो मैं बचपन से ही मैंने इसको याद किया है, तो मैं अक्सर तो मैं भी मुझे भी पता नहीं है किसने रचना की है, इसी प्रकार से और आप लोगों को भी पता नहीं कि इसके रचयिता कौन है, किसने लिखा है। तो हालांकि जो है गेलुग परंपरा के कोई विद्वान की तो रचना नहीं है, लेकिन जेरिम्बोजे के पूर्व के किसी आचार्य ने लिखी है। अब सर रिंदावा दुख और जेरिम्बोजे खासकर माध्यमिक दर्शन के प्रति काफ़ी गंभीर थे। और वो काफ़ी एक प्रकार के बहुत काफ़ी बड़े विद्वान के रूप में जाने जाते थे। पेंडू रिम्बुजी की तो एक प्रकार जो चुंजुक उसकी भी रचना की है, एक क्या कहा उसकी एक प्रकार की टीका की रचना की है, तो वहाँ पर उन्होंने व्याख्या की है, वहाँ पर की रचना की है कि रिंदामा जो थे वो माध्यमिक दर्शन को जो माध्यमिक दर्शन उसमें काफ़ी विद्वान थे, और तो कहते थे कि अगर चाहे जाएँ तब भी माध्यमिक सिद्धांत, चाहे बैठें तब भी माध्यमिक सिद्धांत, या जो भी करें हमेशा माध्यमिक सिद्धांत को ही लेकर के चलते थे। तो इस प्रकार से जेरिम्बोजे ने भी माध्यमिक दर्शन के प्रति उनकी गहरी रुचि थी।
और जेरिम्बोछे किस प्रकार से हैं, तो जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है कि नागार्जुन और अन्य 17 विद्वान हैं वो किस प्रकार से, उनको अगर जानना चाहते हो तो उनको ग्रंथों को पढ़ो। तो ऐसे भी फिर भी कहना चाहता हूँ, अगर जेरिम्बोछे को जानना चाहते हो तो उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, वो उनका ज्ञान किस प्रकार से था, कितने अच्छे विद्वान थे, उनकी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो चासिटिक्सेन, फिर उसके जो माध्यमिक जो अवतरण है उसके ग्रंथ गुम्बा रफसेल, उनको अच्छी तरह से अगर पढ़ोगे और पढ़ोगे वो भी अर्थ को जान करके, और जो भी शब्द कहे गए हैं उन शब्दों को देख करके अगर अच्छे पढ़ोगे, अच्छे एक एक शब्द को देखोगे तो बहुत अच्छी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं उसकी जो व्याख्या है विधिवत तरीके से। और इसके साथ बुद्ध पालिता जिनके अच्छी तरह से व्याख्या की है, अच्छी तरह से उसकी रचना की है, और से सूत्र के तरफ से किस प्रकार से हैं वो जानना चाहिए, तंत्र की तरफ से भी देखा जाए तो उनका ज्ञान किस प्रकार से था वो भी आप देख सकते हैं। और उनकी जो व्याख्या है और जो विधि विधान तरीके से किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, अच्छी तरह से हैं। और ये खास करके जो अपने जीवन के अंतिम या फिर एक प्रकार के उन्होंने व्याख्या की है, और उनके शिष्य गावा ठकपा और उन्होंने एक प्रकार से एक पत्र के रूप में अपने शिष्य को लिखा कि किस प्रकार से इसका अभ्यास किया जाए, अभ्यास कैसे किया जाए, तो उन्होंने लिख करके एक प्रकार की भेजा था। तो उन्होंने अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से न कह करके एक प्रकार के लिखित रूप में चिट्ठी लिख करके ऐसा भेजा था। तो ये विषय एक व्यक्ति के लिए रचना की गई थी, तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है। तो उसमें एक जो गामा ठप्पा के लिए वो कहते हैं, तो अपने आचार्य के लिए जो चिट्ठी है वो उसके बारे में, तो मैंने भी इससे ताडा रिम्पोचे से प्राप्त किया था। तो मैंने कम अपने पूर्ण जो गुरु हैं उनसे इनकी शिक्षा प्राप्त की थी। तो सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कि गुरु लोगों को प्रणाम, तो यहाँ पर जो गुरु ये कहे गए हैं तो वो केवल यह लौकिक जीवन के लिए नहीं कि आने वाले समय के लिए, और तो केवल इस जीवन के बारे में चिंतन न करके आने वाले जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए चिंतन के बारे में उन्होंने व्याख्या की है। इसलिए कहा गया कि जे जैसे गुरु और सुन यहाँ जो शब्द है, और वो भी कि जो भी चीज़ें उनको बेहतर तरीके से जान सकें, और वो भी इस भवचक्र से परे जाने के लिए ऐसे जो आचार्य लोग, ऐसे लोग जो कि ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस भवचक्र से मुक्त हों।
फिर इसके बाद अगला शब्द लामा, तो लामा जो के जो वो भी लामा जो गुरु लोग जो थे उनके ज्ञान के बारे में कि जो पर है, तो पर जो खास करके दूसरों को ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, दूसरों के कल पर कल्याण के बारे में चिंतन करने वाले आचार्य या गुरु। तो जैसे कि आचार्य के जो परिभाषा है उसके बारे में भी कहा जाता है कि किस प्रकार से जो आचार्य है उसकी परिभाषा होनी चाहिए। एक तो बोल सकने में सक्षम हो, ध्यान ज्ञान ज़्यादा हो, विभिन्न प्रकार के दस जो विशेषता हैं जो रिंपोचे ने खुद आचार्य की विशेषताओं के बारे में व्याख्या की है। तो जब भी जेरम पूछे जी तो आचार्य के बारे में व्याख्या करते हैं, तो उनके आचार्य की व्याख्या जो परिभाषा है, फिर शिष्य की क्या परिभाषा होना चाहिए, ये लमरम छेम्बो में लिखी गई हैं। तो जब वो आचार्य की जो परिभाषा कहते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने अपने मन को जो प्रशिक्षित नहीं कर सका है वो दूसरे का प्रशिक्षित करने में संभव नहीं हो सकता, दूसरे का भला नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो जैसे कहा जाए कि लामा के बचपन से ही ऐसा मान लेते हैं कि हम काफ़ी जो तिब्बती परंपरा में कि काफ़ी महत्वपूर्ण लामा हैं या फिर सीनियर हैं, तो इस प्रकार के मान्यता होती हैं। लेकिन वास्तव में जो लामा है तो वो ज्ञान के आधार पर, जिनका जो ज्ञान है उसके आधार पर होना चाहिए। तो मैं हमेशा लामा और जो अवतारी लामा है गुरु उनके बीच में चार संभावना को कहता हूँ कि तिब्बत में बहुत सारे अवतारी लामा हैं, लेकिन लामा है कि नहीं ये भी एक संदेह है। टुलकू हैं, अवतारी हैं, तो बहुत सारे टुलकू या अवतारी जो कि शर्म साफ करने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अवतारी नहीं लेकिन गुरु हैं, वो ऐसे भी हैं। तो जो गुरु भी हैं और अवतारी लामा भी हैं, तो इस प्रकार के लोगों की व्याख्या कि जो कि भगवान बुद्ध के लिए कार्य कर रहे हैं, जो उनके हित कर रहे हैं, उसमें अपना जीवन खपाया है। इसी प्रकार से मैं हमेशा कहता हूँ कि ऐसे कि जब दूसरे का चित्त को प्रशिक्षित करने से अपने को प्रशिक्षित होना चाहिए। तो केवल आप ये कह सकें कि हम बहुत अच्छी पूजा कर लेते हैं या फिर कुछ ये ऐसे कार्य कर लेते हैं, तो उनसे कहो कि आप बहुत श्रेष्ठ लामा हो या बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो, तो वो संभव नहीं हो सकता है। तो ऐसा खुद रिंपोचे ने कहा है। तो पहले कहा कि अपने चित्त को प्रशिक्षित कर सकने वाला हो, शांति प्रिय हो, अच्छा व्याख्या कर सके, ज्ञान युक्त तो हो, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण हैं। और जो बौद्ध दर्शन है वो केवल व्याख्या करने के लिए नहीं, केवल बातें करने के लिए नहीं, उसको अपने अंदर ढालने के लिए जो आपका आचार विचार है उसके अंदर पालन करने की आवश्यकता होती है। तो जैसे उदाहरण के रूप में अगर आप टीचर बनना चाहते हो, शिक्षा देना चाहते हो, तो उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर दूसरे के मन को प्रशिक्षित करना चाहते हो तो उससे पहले अपने आप को उस ज्ञान को उस चीज़ को प्राप्त करना हो, तभी आप दूसरे का भला कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो 10 प्रकार के जो विशेषता हैं वो होने चाहिए। तो ये जो एक प्रकार के प्रणाम के रूप में कहा गया। फिर आगे कहा जाता है कि परम मार्ग पे बुद्धत्वों ने प्राप्त किया और भाग्यवान लोग और इस भवचक से निकलना चाहते हैं, उसके लिए मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा कि जो लोग भी यहाँ से भवचक से निकलना चाहते हैं मैं उनको सिखाने की कोशिश करूँगा।
तो यहाँ कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो अर्थ हैं, धर्म के जो अंत हैं, और इनको भी अगर जैसे कि लमरिम को भी देखें तो जो मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अध्यम पुरुष, इन तीनों के सरल गमन की व्यवस्था भी अलग अलग की गई है, और बाकी की सारी सारी व्यवस्थाएँ लगभग लगभग सभी धर्मों में, दुनिया के सभी धर्मों में भी देखने को मिलते हैं कि दस सभी धर्मों के जो 10 अकुशल कर्म हैं वो समान हैं, और केवल बौद्ध धर्म का ही 10 अकुशल कर्म की व्याख्या ऐसा नहीं है। तो इसमें जैसे कहा जाता है, पहले लाइन में कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जो शब्द हैं या जो बुद्ध शासन हैं वो सभी लोगों के लिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो निरोध सत्य है वो उस भगवान बुद्ध के दर्शन का एक मूल है। तो उसे जब निरोध के बारे में व्याख्या करते हैं तो उसमें एक निर्वाण की व्याख्या हो जाती है कि निर्वाण किस प्रकार से होते हैं, और निर्वाण किसे कहा जाता है कि जितने भी प्रकार के हमारे क्लेशों को नष्ट कर दिया हो तो इस प्रकार के पुद्गल, इस प्रकार के व्यक्ति को एक प्रकार निर्वाण प्राप्त कहा जाता है। वो वास्तव में इस भगवान बुद्ध के जो दर्शन का एक सार है वो निर्वाण ही होता है, और इस तो वास्तव में भगवान बुद्ध के दर्शन का एक मुख्य उद्देश्य क्या है, अनात्म का सिद्धांत। अनात्म के सिद्धांत को जानने का अर्थ कि किस प्रकार से हम अर्हत पद को प्राप्त कर सकें, किस प्रकार से बुद्धत्व प्राप्त कर सकें, उसको निकलने के लिए भी हमें जो है जो वैराग्य का चित्त पैदा करना चाहिए, और इसके साथ साथ बुद्ध चित्त का ग्रहण करना। और जहाँ तक बोध चित्त के बारे में अगर देखें तो उसमें बोध चित्त चर्यावतार में बोध चित्त के जो लाभ हैं वो उसमें व्याख्या की गई है, और इसके जो लाभ किस प्रकार से हैं वहाँ भी आप पढ़ सकेंगे। और जिनपुछ ने भी कहा, फिर आगे कह रहे हैं कि फिर कि शून्यता का अगर सिद्धांत होगा तो निश्चित रूप से निरोध के सत्य को जान सकते हो। अगर शून्यता का सिद्धांत नहीं है तो आप केवल यही होगा, हाँ ऐसा हो सकता है, ज़्यादा उसके बारे में नहीं जान सकेंगे। और इसको जानने के लिए मैं पूरा कोशिश करूँगा, शून्यता का सिद्धांत को जानने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। और ये कह रहे हैं कि जितना मेरे में संभव होगा उतनी तरह के मैं व्याख्या करूँगा। तो हालांकि वो कह रहे हैं अपने ऐसा यहाँ कहा जाता है, लेकिन वास्तव में इस शब्द को देखें, इस छोटे अक्षर में, थोड़े से अक्षरों में उन्होंने पूरे अपने सार को परिलक्षित करने की कोशिश की है कि जितनी हमें कोशिश होगी, जितनी क्षमता होगी उसके हिसाब से व्याख्या करूँगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जो लोग भवचक्र के सुख में आसक्त नहीं हैं और जो लोग इस जीवन के सुखी चाहते हैं, और वो कब का इसलिए कहा कि इस भवचक्र की बुराइयों को जान करके, जैसे कि हम लोग खुद देखें कि हम लोगों ने इस दुनिया में रह करके इस मानव शरीर को प्राप्त किया है और बहुत सारे भौतिक विकास हुए, इन चीज़ों को देखा है, और ये सब चीज़ें तभी हुआ, ये जो हमारे जो परिणाम दुख है। तो ये जानना चाहिए कि जब तक ये शरीर है तब तक किसी प्रकार से भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और इनको जो दुख के बारे में आप व्याख्या की जाए जब देखिए तो वो खास करके हमारे जो संस्कार दुख हैं उनके बारे में व्याख्या होते हैं, तो उनके जो जो भवचक्र है उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, और जो शरीर जो मिला है तो इसमें पूर्व में वैराग्य का चित्त, फिर उसके नीचे कहा जा रहा है कि और जो बुद्ध के मार्ग श्रद्धा और विश्वास रखते हैं तो भाग्यशाली लोग आर्य ध्यान के दिल खुलकर सुने, तो जो अनात्म के सिद्धांत है उनको छोड़ करके
जो नाथानु सिद्धांत को आपको मानना चाहिए उसके बारे में चिंतन करें, अच्छी तरह से सुनो, ऐसा आदेश दे रहे हैं। फिर इसके जो मूल अर्थ है, तो जैसे कि वैराग्य कैसा उत्पन्न होना चाहिए, कब उत्पन्न होना चाहिए, यहाँ पर व्याख्या की जा रही है। तो इसमें हेतु के, तो जब तक संन्यास जो धारण नहीं करोगे, तब तक इस वपचक्र और सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वपचक्र के सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होना चाहते हो तो संन्यास धारण करें। जो निर्माण को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर उस समय तो उनको जानना चाहिए, और जब तक आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न तब तक नहीं हो सकता जब तक इस भवचक्र के दुखों को आप न समझें। और वैराग्य का चित्त तभी उत्पन्न होगा जब आप भवचक्र से मुक्त होना चाहेंगे या निर्वाण प्राप्त को करना चाहेंगे। तो इस दुनिया में जिस तरह से भी हों, भवचक्र में जैसे भी रह रहे हों, और जब तक ये संस्कार दुख नष्ट नहीं होंगे तब तक कोई भी इस भवचक्र का कोई सार नहीं होता है। और इस प्रकार के वैराग्य चित्त जब तक नहीं होगा तब तक हमारे जो परिवर्तन दुख है, जैसा लगता है कि ये सुख है लेकिन दुख रूप में होते हैं, उसी प्रकार से जब तक हमारे अंदर वैराग्य का चित्त न हो, मुक्त पालने का चित्त न हो, तब तक हम किसी प्रकार की कोशिश नहीं करेंगे या फिर भवचक्र में ही पड़े रहेंगे। तो यहाँ जो शब्द कहा जा रहा है तो कि किस इनसे मुक्त होना कोई कोशिश करना चाहिए। तो जब आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब आपको जानना चाहिए कि वास्तव में मन में विचार करके कि मानव जो जीवन मिला है दुर्लभ है, और समय है वो भी बहुत ही कम है, बर्बाद करने के लिए नहीं है। तो जो कर्म अभी नष्ट करना है और कर्म के भवचक्र दुखों को समझने, इस जन्म में उनको नष्ट करने की कोशिश करने चाहिए कि इसी जीवन में जो हमारे अकुशल कर्म हैं या दुख हैं उनको नष्ट कर सकूं। तो इसमें जो वैराग्य चित्त उत्पन्न हुआ है उसके बारे में चिंतन, इससे क्या लाभ हो सकता है। फिर आगे तो जो वैराग्य चित्त हो जाए उसके बाद कैसल हो कि आप भवचक्र की सुख सुविधाओं में आदि हो चुके हैं और पल भर के लिए भी भवचक्र की चीज़ों के प्रति आसक्त न, अर्थात इसकी प्रशंसा न करें। तो खास करके जो हमारे वैराग्य रूपी चित्त है उसको कैसे अभ्यास करना चाहिए। तो आगे कहा जाता है कि जब आपके मन में मुक्त होने के लिए दिन रात विचार उत्पन्न होने लगे तो इस वक्त आप में सच्चा संन्यास भाव उत्पन्न हो गया है, ऐसा आप मानना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे जो जन्म के दुख, बुढ़ापे को, बीमारियों के दुख, इनको जानना चाहिए। और ये इस वजह से हम भवचक्र में हैं और इस वजह से होते हैं और हमारे कर्मों की वजह से ये दुख आते हैं। और जो भी हमारी आसक्तियाँ तृष्णा की वजह से ये दुख उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार जो कर्म हमारे अज्ञानता की वजह से उत्पन्न होते हैं, और जो हमारे क्लेश हैं भी आसक्ति की वजह से, लालसा की वजह से उत्पन्न होते हैं, और जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर हमारे, और वो भी जो आसक्ति या लालसा एक दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने की वजह से होते हैं। तो ये अगर आसक्ति पैदा होती रहेगी तब तक भवचक्र से या निर्वाण को प्राप्त करना संभव नहीं होगा। और जब भी आसक्ति को नष्ट करने के लिए जो हमारी मिथ्या दृष्टि, उसको नकारना कोशिश करना चाहिए। और उसको अगर मिथ्या दृष्टि को, अगर हमारे बुरे सोच उसको नष्ट करने के लिए हमें निश्चित रूप से जो अनात्म सिद्धांत, उसको अपनाना चाहिए, जानना चाहिए। और सबसे पहले जो पुद्गल निरात्म, उसको जाने कि ये जो मैं है या फिर आत्मा है वो किस प्रकार से है, ये इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, इसके बारे में आप चिंतन करें।
तो उसको अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए, और वो भी हमें जैसे समय कहा जा रहा है कि दिन रात तक आप जब भी जहाँ जहाँ भी हों उस समय तक अभ्यास करना चाहिए। और जो अक्सर हमारे मन में यही आता है मैं की और पर की मैं की भावना आती है, तो उनको पहचान कर इसको नष्ट करें। और इस प्रकार के जो आसक्ति हैं और जैसे मैं या जो इस कंधों से हट करके एक मैं होती आत्मा होती है, ये मिथ्या दृष्टि को नकारें। फिर चार शक्तिशाली नदियों की धाराओं में द्वारा लगातार बहाए जा रहे हैं और धर्म की जंजीरों को कस के पकड़ते हैं, जिसके लिए छुटकारा पाना नामुमकिन है। तो जैसे कि जो चीज़ें आरोपित लगती हैं कि जिन चीज़ों को देखते हैं कि वो स्वभाव से सिद्ध होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ जो जैसे कि अज्ञानता रूपी जंजीरों में पड़े हैं, चादरों से ढके हैं, उनको नष्ट करना चाहिए। और जैसे जैसे आप इनको ठीक से समझेंगे और जानेंगे, और जब जब आप इनको आसक्तियों को नष्ट करेंगे, तब उसके विपरीत जो सत्यता है उसको जान सकते हैं। फिर इसकी धर्म जब जो धर्म निरात्म को जानना, और फिर पुद्गल निरात्म को जानना, और धर्म निरात्म की पुद्गल निरात्म की वजह से ही आत्म की वजह से ही बहुत सारे अकुशल कर्म करते हैं। तो ऐसे वक्त भव चक्र में रह रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है अथवा असीमित हैं, जहाँ वे तीन प्रकार के दुखों से लगातार कुछ ले जा रहे हैं। इस वक्त अपनी सभी माताओं को ध्यान में लगाकर मैं ऐसे दुखों से पीड़ित इसलिए बोध सत्य का बोधचित्त को उत्पन्न करूँगा। तो इसको जो बोध चित्त उत्पाद करते समय इनको विचार में चिंतन करना चाहिए। फिर आगे तो यहाँ से कुछ फ़ायदा भी नहीं होता है। अगर वास्तव में सत्य को जानने के लिए आप अपने ज्ञान नहीं है, तो चाहे भवजे संन्यास और बोध चित्त का अभ्यास को क्यों न करते हैं। तो अब फिर इसके बाद यहाँ कहा जा रहा है कि बोध चित्त का जो अभ्यास है वो क्यों करना चाहिए। और जब तक कि आप जो बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हो, सन्यास जो उत्पन्न नहीं हुआ है, तब तक आप इस बोध चित्त को प्राप्त नहीं कर सकते हो। आप बुद्ध चित्त को या फिर बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हो, और बिना बोध चित्त के संभव नहीं हो सकता। चाहे अंदर शून्यता का सिद्धांत क्यों ना हो, फिर भी आप बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो बोध चित्त है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम लोग इस दुनिया में तो जितने भी परहित करना चाहते हो, तो उसके लिए बोध चित्त से हट करके कोई भी ज्ञान नहीं है। तो कुंड रामातेंद्र गेलसेन तो वो कहते हैं कि अगर परहित चाहते हो तब भी आप बोध चित्त का अभ्यास करें, स्वयं का हित चाहते हो तब भी आप बोध चित्त का अभ्यास करें। तो इससे इसके अतिरिक्त कोई धर्म नहीं है, बोध चित्त के हटकर के कोई धर्म नहीं है कि इससे ज़्यादा लाभदायक हो, इससे पर हित हो, स्वयं के लिए लाभदायक, इससे कोई हटकर नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा आपका मन अच्छा होगा, उतने ही आपके ज़्यादा मित्र बनेंगे। तो जैसे कि आप कुत्ता बिल्ली को भी देखें, जानवरों को भी देखें, वो भी उनको भी अगर आप उनसे प्रेम स्नेह करेंगे, वो भी नज़दीक आ जाते हैं। तो ये बोध चित्त अगर किसी के अंदर है तो कितना लाभदायक हो सकता है। तो कैसे अभ्यास करना चाहिए, तो इसके बारे में
कहा जाए चार शक्तिशाली नदियों की धाराओं द्वारा लगातार बहाए जा रहे हैं और कर्म को जंजीरों के में कस के जकड़ते, इसके छुटकारा पाना नामुमकिन है। स्वयं की तृष्णा रूपी जंजीरों में जकड़े हुए और अज्ञानता की चादरों से ढके हैं। तो सबसे पहले जो हमारे क्लेम और जो कर्म और क्लेश की वजह से और जो भी हमारे दुख हैं वो हमारे सब सब के सब जो कर्मों की वजह से उत्पन्न हैं, इसके लिए हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए कि वास्तव में जो निरोध सत्य है वो किस प्रकार से है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में चिंतन करें। और इसको सोच विचार करने के लिए जब चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से शून्यता का सिद्धांत भी साथ में आ जाता है। तो चंद्रकीर्ति ने भी तो उन्होंने जो उनके ग्रंथ हैं उसके व्याख्या की है कि वो किस प्रकार से प्रति समुद्पात के जो सिद्धांत हैं वहाँ देखे जा सकते हैं, आप उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और निश्चित रूप से जो निरोध सत्य वो है, हो सकता है ऐसा विचार कर सकें, जो मिथ्या दृष्टि है या जिन चीज़ों को जो स्वयं से सिद्ध ऐसा मान लेना एक प्रकार की हमारी मिथ्या है, ये आप समझ सकेंगे। और जिस प्रकार से आभासित होता है उस प्रकार से स्वयं से अस्तित्व में नहीं होते हैं। फिर जैसे जैसे आपको ये पता लगेगा वैसे जो सत्य या फिर जो मिथ्या दृष्टि उसको आप नकार सकेंगे। और जो मिथ्या दृष्टि है वो हमारे मन की स्वाभाविक नहीं है, उसका कोई स्वाभाविक अस्तित्व ऐसा नहीं है। जो चीज़ स्वाभाविक नहीं है तो उसको नष्ट किया जा सकता है, उसके पर चिंतन करें। जैसा कहा है कि जो चित्त का जो स्वभाव वो प्रभासर है, प्रभासुर है, वो स्पष्ट होते हैं और उसी के आधार पर जो निर्माण को प्राप्त किया जा सकता है, निरोध सत्य को प्राप्त किया जा सकता है। और इनको धीरे धीरे प्राप्त करके अभ्यास करके निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। और निश्चित रूप से जो हमारे जो सत्य ग्राहता की एक मिथ्या दृष्टि है वो निश्चित रूप से इसको नष्ट कर सकते हैं, इसको क्लेश को नकारा जा सकता है। और फिर इसको प्राप्त करने के बाद निश्चित रूप से स्वभाव का है उसको प्राप्त किया कर सकते हैं। उसके बाद जो परहित का चित करने के लिए और सत्यों का हित करने के लिए हमारा जो मन है वो निश्चित रूप से प्राप्त हो सकता है। दो प्रकार के जो बोध चित्त की आवश्यकता है वो प्राप्त होगी। तो इसलिए भगवान बुद्ध के जो दर्शन हैं उनको अच्छी तरह से जानोगे, अच्छी तरह से समझोगे और उसको अच्छी तरह से रखोगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कि अगर दीवार बनाना हो, घर बनाना हो, तो घर बनाने समय एक एक ईंट रख करके बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से हमारे जो व्यवस्थाएं भगवान बुद्ध के धर्म में की गई हैं वो धीरे धीरे प्राप्त की जा सकती हैं। तो ये जो हमारी जो मिथ्या दृष्टि है उसको नकार देना चाहिए। तो वे खुद कहेगा, देनजिन खुद बाद में एक प्रकार कहेगा मिथ्या दृष्टि है कि अब हम हमारा यहाँ स्थान नहीं है, खुद यहाँ से निकलने की आवश्यकता होती है। तो अभी तक मिथ्या दृष्टि जो हमारे अंदर बनी रही है, अभी तक मैं रुका हूँ, आपके दिल में बैठा हूँ, अब मैं चला जाऊँगा, ऐसा विचार करेंगे तो ये केवल भगवान बुद्ध ने कहा है, ऐसी बात नहीं है। आपको चिंतन करना चाहिए, इसके बारे में मनन करना चाहिए। फिर उसके बाद जो अर्थपूर्ण श्रद्धा आपके अंदर पैदा होगी एक तो उन्होंने कहा कि मानव शरीर जो है बहुत ही मुश्किल है। तो तिब्बत एक आचार्य ने कहा, तो उसमें एक चीनी व्यक्ति थे, तो उसने कहा कि सुसाई लामा चीन में नहीं गए होंगे कि मनुष्य शरीर प्राप्त करना आसान नहीं है, कहते हैं मुश्किल है, आप चीन में नहीं गए होंगे, वहाँ जाकर देखें तो वहाँ तो काफ़ी संख्या जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये उन्होंने ऐसे कहा। तो इसका अर्थ यहाँ कहने का है कि
कि जिस प्रकार से जितना ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा होगा, जितना ज़्यादा आपके अंदर जो इसके प्रति एक उत्साह होगा, उतना ही ज़्यादा आप समझ सकेंगे। और जो आने वाले समय में भी, आने वाले जीवन काल में भी अपने जीवन को बना सकेंगे। और इसलिए जो चार आर्य सत्य हैं, इनको समझना यानी कि अर्थ को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जेरेम बुझे ने खुद कहा है कि भगवान बुद्ध ने के जो ग्रंथ जितने भी हैं सब में इन्हें के बारे में व्याख्या की है। तो उन्होंने खुद कहा है कि किस प्रकार से जो शिष्यों को प्रवचन देना चाहिए, और वो भी अपने अपने हितों को लेकर के, वो भी सोच विचार के, अगर नहीं होगा तो वो संभव नहीं हो सकते हैं। और तो वो वैसे ही हो जाएगा जैसे कि अंधेरे में तीर चलाने के समान हो सकते हैं। तो इसलिए हर चीज़ों को जानना चाहिए। अगर जब तक आप निरोध सत्य को ठीक से नहीं जानोगे, तब तक आप अपने तीर को, अपने निशाने को ठीक जगह पर नहीं लगा सकते हो। तो इसलिए इन चीज़ों को, किस चीज़ को आपको नष्ट करना है, क्या चीज़ नष्ट करने योग्य, उसको ठीक से समझना चाहिए, समझें। ये उन्होंने खुद स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या की है। तो उसके बाद जो बुद्धचित्त को उत्पाद करने के लिए सात प्रकार के हेतु और फल की जो क्रम है उसके द्वारा प्राप्त करना चाहिए। और परहित के लिए जो चित्त हैं और उनको प्राप्त करने के लिए, तो हमेशा आत्म परावर्तन करने के जो विधि है उसके द्वारा भी व्याख्या की जा सकती है। तो इसको जानने के लिए जो बोधचर्या अवतार में कहा गया है, बहुत अच्छी ग्रंथ है, उसको आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए। जैसे कुनरामा गिलसन जी ने भी खुद कहा है कि उन्होंने कहा कि संत रक्षित ने, संत देव ने इस ग्रंथ को रचना करके इतने वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इतना अच्छा ग्रंथ नहीं हुआ है और ना ही भविष्य में ही होगा। इसलिए बोधचर्या अवतार का बार बार पढ़ना चाहिए। तो इसलिए फिर इसके बाद जो सत्य, जो शून्यता का सिद्धांत है उसके बारे में, कि अगर वास्तव सत्य को जानने के लिए आपके पास ज्ञान नहीं है, तो चाहे आप संन्यास और बोधचित्त का अभ्यास क्यों न करते हो, तो भी आप भवचक्र में पड़े रहेंगे। तो इसलिए प्रतीत समुत्पाद को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। तो खास करके जो कि जो माध्यमिक दर्शन, जो चित्तमात सिद्धांत और अन्य हैं, वो हमेशा शून्यता के सिद्धांत को मानते हैं। तो जो प्रति समुत्पाद जो शब्द यहाँ आया है, तो तेंडेल या तिब्बती में कहा जाता है। तो इसके ये जो सूक्ष्म प्रति समुत्पाद है, गंभीरता जो है उसको जानना चाहिए, उसके बारे में आपको चिंतन करने की आवश्यकता है। और जब तक प्रति समुत्पाद के अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, जो गृहता से नहीं जानेंगे, तब तक वो ऐसा व्यक्त कहेगा ये देंजीन हमारे जो मित्र सत्य ग्रहता है, वो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो वो व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ सकता है। और वास्तव में जो हमारी मिथ्या दृष्टि, उसको नष्ट करने का एक जो क्रम जो हमारे पास है, वो शून्यता का सिद्धांत ही है, उसके द्वारा ही नष्ट किया जा सकता है। यहाँ प्रति समुत्पाद जो गंभीर था या सूक्ष्म प्रति सूक्ष्म के व्याख्या यहाँ पर की जाती है। फिर आगे, जब सभी भौतिक वस्तुओं को देखते हैं और पाते हैं कि कर्म और फल अपने कार्य से बचे नहीं सकते हैं, जब से आप अपने चित्त को वस्तुओं से हटा लेंगे, तो आप बुद्ध के सुख के मार्ग में प्रवेश हो जाएंगे। तो इसमें हेतु फल के प्रति समुत्पाद की व्याख्या, तो प्रति समुत्पाद में भी हेतु फल का प्रति समुत्पाद और दूसरा प्रकार का जो प्रति समुत्पाद है, और वो भी एक आधार आरोपित जो प्रति समुत्पाद या फिर अड़ुओं पर उस पर आधारित जो प्रति समुत्पाद, दो प्रकार से होते हैं।
और जैसो जिस आधार को अगर ढूंढना जाना चाहें तो वो ढूंढने से नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, है तो है लेकिन वो अपने स्वभाव से शुद्ध नहीं है। तो जितने भी चीज़ें हैं हम उनको देख सकते हैं, तो हम लोग प्रतिसमुत्पाद का जो हेतु और फल के चीज़ें उनको हम समझ सकते हैं, हालांकि उनकी व्याख्या नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं दुख नहीं चाहिए, बीमारी नहीं चाहिए, तो ये भी सारी सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेतु और फल के प्रतिसमुत्पाद हैं, लेकिन हम उनको जान नहीं पाते हैं, इनकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो जब आप इनसे जाने कि वास्तव में इनको हम चाहते नहीं, फिर भी अपने आप स्वभाव से सिद्ध होते रहे हैं, तो जब 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 इसके बारे में हम अच्छी तरह से चिंतन करें, तो जब जानेंगे कि वास्तव में हेतु किस प्रकार से, फल किस प्रकार से, हेतु से फल कैसे प्राप्त होता है, तो उनके लिए जो मूल माध्यमिक करिका है उसमें व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से चार प्रकार के हेतु के पर, तो हेतु की तरफ से, फल की तरफ से जो अलग अलग जो तर्क दिए गए हैं, अलग अलग वहाँ पर जो न्याय व्यवस्था जो की गई है, तो वहाँ देख सकेंगे। तो फिर आखिर किस प्रकार से फिर कहा गया कि जो एक प्रकार से नाम मात्र से आरोपित किया गया है, नाम मात्र से दिए गए हैं, तो अपने अर्थ के रूप में या अपने विषय की तरफ से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो ये जो नाम मात्र के रूप में आरोपित होते हैं, तो जैसा कि केवल शब्द जो वहाँ आता है, केवल आरोपित किया गया है, तो इसका अर्थ है कि विभिन्न चीज़ों पर आरोप या अपने स्वभाव से अस्तित्व न होकर के, अपने अस्तित्व स्वभाव से अस्तित्व में न होकर के ये केवल आरोपित ही होते हैं। तो जब तक आप दो जो आवास हैं उनको में रहेंगे, अर्थात जब तक अपनी दूरी सोच रहेगी, अर्थात प्रति समत्कार सुनता को अलग अलग समझें, तो आप ऐसी अवस्था में बुद्ध के विचारों का अर्थात ज्ञान को नहीं समझ सकेंगे। तो जैसे शून्यता का यहाँ पर शब्द आता है, तो वो स्वभाव से शून्य नहीं है, किस प्रकार से अपने उसके अपने से अस्तित्व से नहीं है, ये कहा जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, कुछ पहलुओं पर अगर आप बिना परिवर्तन किए अगर आप समझ पाएंगे कि प्रतिसमता हमें सद्मार्गपन लाता है और धोखा देने जैसी प्रवृत्ति होती है, तो निश्चित रूप से आपका चित्त वस्तुओं में आसक्त होने से मुक्त हो सकेगा और इस अवस्था में आपके दृष्टिकोण की जो छानबीन है पूर्ण हो जाती है। तो जब परीक्षण करोगे तभी आप इनको जान। तो अगर एक दो वर्ष में चाहो तो वो संभव हो सके, वो भी नहीं होगा, 10 वर्षों में भी इतना संभव नहीं होगा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं अपने जैसे मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं 60 वर्ष हो गए शून्यता के बारे में चिंतन करते करते, लेकिन अब जाकर के थोड़ा थोड़ा हमें इसका आभास होता है, थोड़ा इसके बारे में जानकारी होती है। तो ये शून्यता का दर्शन इनको प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन जितना भी आप हो सके अपने मन को परिवर्तन करके, आप चिंतन करके जितना आप हो सके आप परिवर्तन करोगे, आप चिंतन करोगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके बारे में बार बार आप चिंतन करो तो धीरे धीरे तो ये निश्चित रूप से आपको तब पता लगेगा कि जो भी चीज़ें हैं केवल आरोपित होती हैं। आरोपित मात्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जो जो चीज़ें हैं वो विभिन्न चीज़ों पर आरोपित होती हैं, विभिन्न चीज़ों पर निर्भर होकर के अस्तित्व में आई होती हैं। तो इसलिए आप इसके बारे में अगर चिंतन करोगे तो संभव हो सकता है, इसके बारे में आप विचार करो। तो इसलिए समय की आवश्यकता है, समय लगेगा, तुरंत नहीं हो सकेगा। फिर आगे कह रहे हैं कि जब आरोपित अस्तित्व की परम अवस्था प्रवृत्त हो जाते हैं और जब शून्यता अस्तित्व की परम सीमा को नष्ट कर देती है और जब आप समझ जाते हैं कि कारण और प्रभाव की वजह से किस तरह से शून्यता उत्पन्न होती है, तब आप कभी भी चरम सीमा पर आसक्त किए
गए दृष्टिकोण से मोहित नहीं होंगे। तो इनको जो जो हमारे पुद्गल निरात्म धर्म निरात्म को जानोगे तब जैसे जैसे समझ सकेंगे कि जैसे जैसे जो धर्म निरात के जैसे जैसे सूक्ष्मता हो जाते हैं तो उस समय माध्यमिक दर्शन और चित्तमा दर्शन ये दोनों आ वहाँ पर आरोपित हो जाते हैं, आ जाते हैं, उनके द्वारा व्याख्या की जाती है। और इनको द्वारा वो भी केवल विचार करके करना चाहिए। और ये इसलिए होते हैं कि हमारी जो मिथ्या दृष्टि उसको नष्ट किया जा सके। और मिथ्या दृष्टि की वजह से ही बहुत सारी आसक्तियाँ होती हैं। तब जा कर के हम कहेंगे, अगर आप जब हम इसको ठीक से नहीं समझेंगे तब तक वो जैसे प्रज्ञा परमिता हृदय सूत्र में कहा गया है, गते गते पार गति पार संगति बोधि सोहा, तो उस समय हमारे मन में आता है कि वास्तव में एक प्रकार का ये क्रम है, इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसके द्वारा किया जा सकता है, ये संभव है। और फिर अब खुद को एक एहसास हो जाता है कि हम इस पर चल सकते हैं, इस पर प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके बाद इसके लिए जो हमारे पैरागी चित्त उसका लाभ होता है, बुद्ध चित्त का लाभ है, उसके उससे भी लाभ होता है। और शून्यता का सिद्धांत है, ज्ञान अच्छी तरह से उत्पन्न हो के बाद या जब आपके अंदर जब तक नहीं होगा तब तक आप संभव नहीं है। तो अगर इष्ट देव की भी आप देश में या फिर साधना करना चाहते हो तो उसके लिए भी शून्यता का सिद्धांत होना चाहिए। और अगर ऐसे ही अगर आप कहते रहें कि तो अगर जैसे कहा जाए कि जो दो आँखें वो भी दो सत्य हैं, दो जो आँख जो फिर कान हैं वो भी हमारे दो हैं, और जो नाक हैं दो भी एक योग हैं, अगर ऐसे ही कहते रहें सत्य हैं तो फिर निश्चित रूप से जो हमारे जो शून्यता के दौरान जो सत्य हैं उनको नहीं समझा जा सकेगा। इनको अच्छी तरह से अगर चिंतन करोगे तो लाभ हो सकेगा। तो जो भी चीज़ें केवल आरोपित होते हैं वो तो केवल हमें आरोपित होते हैं, तो स्वभाव से सिद्ध नहीं, इसका मतलब दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इसलिए जो बड़े छोटे खराब और अच्छे इन सभी पर निर्भर होते हैं, तो ये केवल ये होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें आरोपित होती हैं। और वो भी शून्यता से ही, वो भी स्वभाव शून्यता के द्वारा ही जो स्वभाव से सिद्ध नहीं उसी को समझा जा सकता है। और जो भवचक्र और निर्माण ये सारी चीज़ें ये स्वभाव से सिद्ध नहीं हैं, तो इनको किस प्रकार से हैं वो जानने की कोशिश करें। जब तक आप समझ पाए कि उपरोक्त तीनों बिंदुओं के मार्ग के लिए जरूरी तथा परम आवश्यक होता है, हे पुत्र तुम एकांत स्थान को खोज करो, दृढ़ता से इस शक्ति को बढ़ाएं और अपनी लालसा को धीरे धीरे बढ़ाएं, ऐसा उन्होंने कहा। हम सभी के लिए है कि ये जो भी वैराग्य और शून्यता और अनात्म का सिद्धांत वो पढ़ा है उनको ज़्यादातर पढ़ना चाहिए। तो उक्त प्रवचन उपदेश त्रिपिटक का पंडित श्री भिक्षु सुमत कीर्ति चौंघावा द्वारा छात्रों के प्रमुख गावा ठपा को दिया गया था। तो जैसा कि इस ग्रंथ में कहा गया कि बोध चित्त काफ़ी महत्वपूर्ण है, और कदम के जो परंपरा के पूर्व थे उन्होंने भी कहा कि निश्चित रूप से कि जितना हो सके और परहित के लिए चिंतन करना चाहिए, बोध चित्त को उत्पाद करना चाहिए। और इस बोध चित्त को सूक्ष्म से ले ही और जितना तो जो भी है जो इस बोध चित्त के द्वारा ही सुख की प्राप्ति होगी। और जैसे ही आपके अंदर जो बोध चित्त उत्पन्न होगा तो एक आपके अंदर सुख की अनुभूति होती है। तो जो इससे हटकर के बोध चित्त से हटकर कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए जो हमारी अगर बाधाएं हैं परेशानियां भी हैं जीवन को लंबा बनाना
जो भी आप करना चाहते हो, तो अगर बोधचित्त के हथकर के कोई दूसरा नहीं होता है, तो तंत्र में भी कहा जाता है कि अगर वास्तव में शक्तिशाली होगा कि नहीं, आपको में वो ज्ञान प्राप्त होगा नहीं, शून्यता और जो प्रतिसमुत्पाद है या फिर बोधचित्त है, इन दोनों पर ही आधारित होगा। और प्रमुख रूप से बोधचित्त का जो मूल है वो ये बोधचित्त ही है। तो जो है बोधचित्त उत्पाद यहाँ पर करें, तो पूछ रहे हैं कि प्रधान जो चित्त उत्पाद है वो करने के जो शब्द हैं, तो इसके सबसे आसान तरीका जो है शरण गमन के द्वारा बुद्ध चित्त उत्पन्न करेंगे। और आज यहाँ पर धर्मशाला में मायान बौद्ध बिहार में वो यहाँ पर हमारे समक्ष दो 2600 वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए शाक्यमुनि तथागत बुद्ध। तो जैसे कह रहे हैं जो अनात्मक सिद्धांत को व्याख्या करने वाले, तो भगवान बुद्ध भी हम लोगों की तरह व्यक्त थे, पर धीरे धीरे वो इस प्रकार से अनात्म के उपदेशक बने हैं। वो शुरुआत से हों ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारे अंदर एक गर्व पैदा होना चाहिए। अब कोई वो भी एक क्लेशों के अधीन रह करके धीरे धीरे मेहनत करके किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त कर किया, तो उसी प्रकार से हम लोग भी एक सामान्य पुरुष भी बुद्ध बन सकते हैं। तो निश्चित रूप से घर में तो इसके बाद हमें पता लगता है कि वास्तव में जो कि दिन जाकर कहा जाए कि जो तथागत गर्भ है हमारे अंदर है, तो ये जो जो बुद्धत्व को प्राप्त करने के जो तरीका है वो हमारे सनातन को उच्च जो व्याख्या करने वाले तथागत ने कहा है। तो आप विचार करें कि हमारे समक्ष भगवान बुद्ध बैठे हैं और उसके साथ साथ अन्य विद्वान लोग भी यहाँ बैठे हैं, और नागार्जुन उनके शिष्य, और जो हम जिनके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तिब्बत के जो ग्रंथ, जो आचार्य लोग, भारतीय आचार्य लोग हम सवार के सभी के समक्ष बैठे हुए हैं। और इसके साथ जो 80 महासिद्ध हैं सरा इत्यादि वो भी यहाँ पर बैठे हैं, और तिब्बत के जो शाक्य परंपरा और अन्य के जो भी परंपरा के विद्वान हैं वो सभी लोग यहाँ पर विराजमान हैं। और इनके समक्ष, इन सभी के समक्ष हम बोधचित्त का उत्पाद करूँगा। आप लोग हाथ जोड़ लें, और वो भी सबसे पहले जो 7 जो सप्तांग पूजा हैं उनके द्वारा प्रार्थनाएं की जाती हैं। तो उसमें 7 पूजाओं का अर्थ है कि भगवान बुद्ध जो धर्म का उपदेश दे रहे हैं, साथ साथ आप करें, साथ साथ आप हाथ जोड़ करके विचार करें। हमें कहूँ जैसो ही राम को सिंह सोवाई, तो यहाँ इसका अर्थ है कि मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान बुद्ध से इनमें जिससे भी हमें पुण्य का लाभ हो रहा है, और जो भी पुण्य मिलेगा वो इस जीवन के और सभी सत्तों हित के लिए लाभदायक हो। जो भी मैंने पुण्य प्राप्त किया वो सभी सब सत्तों के लिए करता हूँ। तो अभी जो शरण गमन के दौरान बोधचित्त का उत्पाद करूँगा, तो जो मोन के लोग आए हुए हैं, मोन तबान से आए, तो सभी लोगों के को याद होगा। तो आप लोग विचार करें कि यहाँ सारे भगवान बुद्ध के समक्ष उनके गोद में हम बैठे हैं, तो उनके समक्ष बैठ करके हम बोधचित्त का उत्पाद करूँगा। अभी तक तो परहित के स्वयं के बारे में सोचते आए हैं, केवल अपने बारे में सोचते आए हैं। तो आज जब हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, और शरीर प्राप्त होने के बाद भगवान बुद्ध का दर्शन, और वो भी इतना गंभीर गहरा वो हमें प्राप्त हो रहा है, तो इसके लिए आप सौभाग्यशाली हैं। और स्वार्थी चित्त है जो अपना अहंकार चित्त, उसको त्यागूंगा और अच्छे चित्त का उत्पाद करूंगा।
और जो हमारी आत्मा रूपी जो सिद्धांत है हमारे मन में है उसको नष्ट करूँगा। इसको जब तक नष्ट नहीं करूँगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। और इस प्रकार की आप दृढ़ इच्छा करके आप एक अच्छे विचार बना करके अपने मन में बोध चित्त का उत्पाद करेंगे, तो जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने खुद उनका उन्होंने को ज्ञान प्राप्त हुआ और उनके शिष्य लोगों ने भी जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध चित्त बुद्ध सत्व लोग पहले भी जैसे हुए हैं उसी प्रकार से मैं भी करूँगा। तो सामने जो बैठे हुए भगवान बुद्ध आचार्य लोग जो भी हैं, जो एक हमारे उदाहरण के रूप में है, मिसाल के तौर पे हैं, तो हम भी उस प्रकार के एक मिसाल बनेंगे। आपको विचार करें, आप चिंतन करें, तो चाहे पूर्व के जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने ही बुद्ध चित्त को उत्पन्न किया, और अभी जो बुद्ध हैं उन्होंने बुद्ध चित्त को प्राप्त किया, और आने वाले समय में जो भविष्य में भी जो भी बुद्ध बनेंगे तो वो भी जो बुद्ध चित्त को पैदा किए बुद्धत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी उन्होंने जब प्राप्त किया तो हम भी प्राप्त करेंगे, ये आप चिंतन करें। आप लोग घुटनों पर बैठ जाएं, दीक्षा लेने के लिए घुटनों पर बैठ जाएं। जिस प्रकार से जब दीक्षा ली जाती है उसमें घुटने में बैठ जाते हैं हाथ जोड़ करके, तो मैं कहूँ वही कहें, बुद्ध धर्म एवं संघों में श्रेष्ठ बोध की प्राप्त न होने तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। बुद्ध धर्म और संघों में श्रेष्ठ बोध की प्राप्त न होने तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। तो जब मैं तीसरी बार कहूँ जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्त हो, जब आप कहें तो उस समय आप अपने मन में एक विचार करेंगे, एक कसम खाएंगे कि आज से ही लेकर के बुद्ध जो उत्पाद किया है हमेशा इसको रखूँगा, और इसको बुद्ध चित्र को लेकर के हर रोज जो क्रम्स है इसका पालन करूँगा, इसको अच्छी तरह से अपने मन में उत्पन्न करूँगा। तो जो जिस प्रकार से आकाश स्थित है, जब तक सत्व रहेंगे, जीवधारी रहेंगे, तब तक मैं भी रह करके सभी जीवधारी लोगों के लिए हित करूँगा, लाभ करूँगा, ऐसे आप प्रार्थना करेंगे। प्रत्यक्ष रूप से इस अपने चित्त को, इस मन को उत्पन्न करूँगा, और तो भगवान बुद्ध के तरह मैं भी बुद्धत्व को प्राप्त करूँगा। और जब तक आकाश है, जब तक आकाश रहेगा, तब तक मैं सभी लोगों के लिए, सभी जीवधारियों के लिए मदद करूँगा, ऐसा आप विचार बनाएं, एक एक प्रकार के कसम खाएंगे। तीसरी बार भी आप कहेंगे, बुद्ध धर्म एवं संघों में श्रेष्ठ बुद्ध की प्राप्ति न हो तब तक मैं शरण में जाता हूँ। मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। बुद्ध चित्त जो उत्पाद नहीं है, अभी तक उत्पाद नहीं है, उत्पन्न हो जाए उसके बाद भी नष्ट नहीं होना चाहूँगा, हमेशा इसको बढ़ाता रहूँगा, अपने और दूसरे का दुख। तो भगवान बुद्ध के अर्पित करते हैं, और क्योंकि इस भवचक्र में सुख नहीं है, चाहे भगवान बुद्ध क्यों ना हो लेकिन भवचक्र रहेंगे तब तक सुख नहीं रहेगा। जल पृथ्वी और करें पृथ्वी जल अग्नि वायु और औषध वन के वृक्षों की बात में सदा समस्त लोगों को द्वारा स्वच्छ निर्मग्न हों। मैं प्राणियों को प्राण प्रिय हों तथा प्राणी मेरे प्रियतर हों, उनका पाप मुझसे विपाक तथा मेरे तो जब तक आकाश है तब तक मैं रहूँगा, और मैं भी तब तक रह करके जो जीवधारी उनका दुख को नष्ट करूँगा। जब तक एक भी प्राणी यहाँ कहीं पर भी अमुक्त है तब तक मैं अनुत्तर बोध प्राप्त करके भी संसार के लिए स्थित रहूँ। तो आप लोग बैठ जाइए, अच्छी तरह से बैठ जाइए पूर्व की तरह। तो इससे जो है बोध चित्त उत्पाद इस श्लोक के द्वारा हुआ, बोध चित्त आपने प्राप्त किया। तो आज का जो टीचिंग जो था प्रवचन यहाँ संपन्न होता है। तो आज आप लोग यहाँ पर पधारे हुए लोग, कार्यक्रम जो प्रवचन है वो संपन्न होता है, और जो जो मार्ग के तीन पक्ष हैं उसके द्वारा इसके आधार पर यहाँ प्रवचन हुआ, और यहाँ पर आप लोग आए, आप सभी लोग आए, और निश्चित रूप से आप एक जीवन में परिवर्तन करने का एक समय हुआ है,
परिवर्तन करने का समय है। अगर वास्तव में जीवन में परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो तो कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं कि मैं हर रोज़ बोधचित्त का अभ्यास, शून्यता का अभ्यास मैं खुद करता हूँ, खुद इसका रोज़ रोज़ अभ्यास करता हूँ। तो आप लोग भी, तो मनुष्य के रूप में हम सभी समान हैं, ज्ञान भी आप में और हम में समान है, और सुख और दुख जो कामना है वो भी समान ही कामना होती है। तो इसके बारे में आप चिंतन करें। तो जो हम क्लेश के अधीन रह रहे हैं और जितना हो सके उसको आप जो नष्ट करने की कोशिश करें, और स्वार्थी चित्त को हटा करके दूसरों को लाभ कैसे करें, और जो परहित की भावना है वो कैसे हमें प्राप्त हो सकती है, आप चिंतन करें। तो चाहे एक वर्ष तक जीवित रहें तब तक चाहे उस लाभ करें, या फिर लंबे समय तक रहें, तो हमें जो है खुशी पूर्वक जहाँ पर भी आप रहें सुखपूर्वक रहें। और बाहरी चीज़ें जो हैं वो केवल बाहरी चीज़ों पर विकास रखें, जो विकास है उसके बारे में चिंतन करते रहेंगे तो उससे ज़्यादा लाभ नहीं हो सकें। तो मृत्यु होने तो निश्चित है, एक दिन तो मरना ही है। तो ये अगर धर्म नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। तो यहाँ यही मैं कहना चाहता था आपको, टश दिले यहाँ पर समाप्त करता हूँ। तो अब जो है फ़ोटो खींचने का सत्र यहाँ पर होगा, और बाकी के लोग जाते रहें, जो स्पॉन्सर्स लोग हैं जो आयोजक, अब उनके लिए